नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनय पांडे। खबरों के विस्तार में जाएंगे और पूरे महानगर सहित जिले का हाल बताएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लें आज की प्रमुख सुर्खियों पे। गोरखपुर के टाउन हॉल में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, सपा और बसपा के सौदेबाजी को नस्ते नाबूद करने के लिए वोट प्रतिशत बढ़ाना है जरूरी। गोरखपुर पहुंचे भारत सरकार के पूर्व मंत्री कलराज मिश्र ने कहा कि भाजपा के विकास कार्यों को देखकर हताश और निराश हैं विपक्षी पार्टियां। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर गोरखपुर पुलिस ने सिखाया महिलाओं को आत्मरक्षा के गुण। लोकसभा उपचुनाव में नेताओं का जुबानी जंग है जारी। गोरखपुर प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने बसपा और सपा के समर्थन को बताया बदबूदार है समझौता। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्वीप के द्वारा बनाया गया रंगोली, जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी ने किया अवलोकन, कहा अवश्य करें मतदान। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आयुष यदुवंशी ने कहा कि गोरखपुर और फूलपुर लोकसभा सीट में भाजपा प्रत्याशियों की जीत है सुनिश्चित। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अशोक सिंह ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की सरकारें कर रही हैं जनता को गुमराह। बांसगांव विधायक विमलेश पासवान ने कहा कि सीएम के नेतृत्व में उन्नत कर रहा है प्रदेश। 10 मार्च को रवाना होने वाली पोलिंग पार्टियों के रवानगी स्थल तथा 14 मार्च को होने वाले मतगणना स्थल का डीएम ने किया निरीक्षण, कार्यों को समय से पूरा होने का दिया निर्देश। गोरखपुर विश्वविद्यालय और इससे संबद्ध महाविद्यालयों की वार्षिक परीक्षा को लेकर केंद्राध्यक्षों की बैठक हुई संपन्न, दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं के लिए यथार्थ एवं चुनौतियां विषय पर आयोजित हुई गोष्ठी, वक्ताओं ने रखे अपने अपने विचार। और गीता वाटिका में श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ सुनने के लिए उमड़े श्रद्धालु। अब खबरें विस्तार से। महानगर के टाउन हॉल में भाजपा द्वारा आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि विपक्षी पार्टियां लगातार 15 वर्षों तक प्रदेश में लूट और खसोट करती रहीं, जिसके कारण प्रदेश लंबे समय तक विकास से वंचित रहा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जो वादा किया उसे पूरा किया है। प्रदेश की बेहतर बिजली, पानी और सड़कें इसके प्रमाण हैं। आगे भी उद्योग को बढ़ावा और युवाओं को बंपर नौकरी देने का काम चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा और बसपा का गठबंधन नहीं मात्र ये सौदेबाजी है, इसलिए हम सभी को मतदान प्रतिशत बढ़ाना जरूरी है। जनसभा को केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिवप्रताप शुक्ला, राज्य मंत्री जयप्रकाश, राज्य मंत्री अनुपमा जायसवाल, राज्य मंत्री दारा सिंह चौहान, सांसद कमलेश पासवान, सांसद जगदम्बिका पाल, प्रत्याशी उपेंद्र दत्त शुक्ल, नगर विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल ने भी संबोधित किया। जनसभा से पूर्व महापौर सीताराम जायसवाल, क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, पीके मल, पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे, पूर्व महापौर अंजू चौधरी सहित पार्टी के कई पदाधिकारियों और सदस्यों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का माल्यार्पण कर उनका अभिनंदन किया। तारीख होगा विजय उनका, आज गोरखपुर की जनता ने आज टाउन हॉल पर सुनिश्चित कर दिया है। इसलिए जोरदार तालियों से आप हमारे इस पूर्व महापौर सत्या पांडे जी ने शुरू की, तो आज न केवल गोरखपुर, पूरा प्रदेश, देश और पूरी दुनिया आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहा है। कहीं पूरी जहाज को महिलाएं लेके उड़ रही हैं मुंबई से दिल्ली तक,
आज पूरी दुनिया में महिलाओं का सम्मान हो रहा है और इस मंच ने भी सबसे पहला वक्ता इस गोरखपुर की पूर्व महापौर सत्या पांडे को करके ये केवल उनको हमने सम्मानित नहीं किया है, गोरखपुर की घरों में एक एक महिलाओं को इस पूर्वांचल को सम्मानित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने इस मंच से किया है। तो मैं सभी इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अपने सभी बहनों को, महिलाओं को सम्मानिता आदर और श्रद्धा और पूजा के योग्य सम्मानिता माताओं और बहनों को इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सत्या पांडे जी कह रही थी कि ये चुनाव एक इतिहास बनाने जा रहा है, ये चुनाव एक रिकॉर्ड मतों से जीत होगी। मैं बड़ी विनम्रता से थोड़ी सी इसके साथ मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इस बार ये गोरखपुर का उपचुनाव केवल चुनाव की जीत का रिकॉर्ड नहीं बनाएगा, इस बात को आप गंभीरता से सुन लें। इस गोरखपुर के उपचुनाव की जीत का परिणाम से केवल श्री उपेंद्र शुक्ल इस गोरखपुर का प्रतिनिधित्व भारत की लोकसभा में नहीं करेंगे, या परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के उनके द्वारा आशीर्वाद से उनके उत्तराधिकारी के रूप में केवल इस गोरखपुर की पूर्वांचल की आवाज नहीं होंगे, बल्कि ये गोरखपुर का उपचुनाव वाकई एक इतिहास रचने जा रहा है। जो अभी तक राजनीति का इतिहास प्रदेश की राजधानी लखनऊ से तय होता था, देश की राजनीति का इतिहास दिल्ली से तय होता था, लेकिन इस बार 2019 का चुनाव का इतिहास इस गोरखपुर से तय होगा जब उपेंद्र शुक्ल जी जीत करके जाने का काम करेंगे। हमारे बीच ये उपचुनाव आने वाले 2019 के चुनाव में इसका एक अच्छा संदेश आएगा और आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जो प्रदेश और देश में विकास का कार्य हो रहा है, ये उपचुनाव उस पर मोहर लगाने का काम करेगा। साथियों, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जो ये बेवेल गठबंधन हुआ है, साथियों, जो पूरे क्षेत्र में एक वातावरण बनाने का प्रयास किया जा रहा है, मैं दावे के साथ ही कहना चाहता हूँ पिछले कई दिनों से हम लोग लगातार क्षेत्रों में है, ये बेवेल गठबंधन सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए, इन लोगों का अस्तित्व जो खत्म हो रहा है उसको बचाने का प्रयास बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी करने का जो प्रयास कर रहे हैं, मेरा मानना है कि आने वाली 11 तारीख को गोरखपुर की जनता जब घर से निकलेगी अपने बूथों पर, तो आदरणीय उपेंद्र शुक्ला जी को ध्यान में रखकर सिर्फ कमल ही कमल खिलने वाला है, ये मेरा मानना है। साथियों, बहुत बहुत लंबी बात न करते हुए एक बार पुनः आप सब लोगों को 11 तारीख के लिए आह्वान करते हुए कि आप लोग अपने घरों से निकलकर प्रभु पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में प्रभु पूज्य महाराज जी के सम्मान को बचाने के लिए हम सब लोग 11 तारीख को बूथों पर पहुंचकर कमल खिलाने का काम करें। इन्हीं सब बातों के साथ करने के लिए गोरखपुर टू साजनवा मार्ग 4 लेन से 4 लेन की सड़क जाकर के जंगल कौड़िया में मिल रही है, उच्च कछारांचल होते हुए गोरखपुर के जाम को समाप्त करने के लिए गोरखपुर के चारों तरफ से रिंग रोड बनना शुरू हो गया, यानी गोरखपुर का विकास। आप सभी लोग जानते हैं, गोरखपुर की एक एक जनता जानती है कि वर्षों से जो बंद पड़ा था फर्टिलाइजर चालू हुआ, एम्स का स्थापना होने जा रहा है, गोरखपुर में चिड़ियाघर भी जो बनने लगे चिड़ियाघर भी बनना शुरू हो गया, यानी गोरखपुर का विकास आम जनता के अंदर जब बैठ गया, आम जनता के अंदर विश्वास कायम। मोहनदास ग्रामीण विधायक विपिन सिंह जी, प्रदेश मंत्री कामेश्वर जी और सभी नेताओं से मेरा आग्रह की माला पहना करके माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। मित्रों, नारा लगाएंगे हम लोग में नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, आदरणीय विपिन सिंह जी और सभी वक्ताओं से मैं क्षमा मांगते हुए मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने वाले मुख्यमंत्री, कानून और व्यवस्था चमकाने वाले मुख्य
मुख्यमंत्री के रूप में आज यहाँ उपस्थित आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, सांसद माननीय जगदम्बिका पाल जी, कमलेश पासवान जी, प्रदेश के मंत्री आड़े जी, रामेश्वर चौरसिया जी, विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल जी, देवेश पासवान जी, सलेमपुर के सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने श्री उपेंद्र दत्त शुक्ल को, जो हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं, आज उस सीट को भरने के लिए प्रत्याशी बनाया है। योगी जी का प्रयोग कृपा का फल है कि आज इस सीट से उपेंद्र दत्त शुक्ल जी जीत करके के जाएंगे, और जिस दिन जाएंगे उस दिन संसद के उस परिसर में लोग यह देखेंगे कि आखिरकार इतने दिनों से सांसद रहने वाले व्यक्ति के खाली किए गए सीट पर वह कौन सा व्यक्ति है जो जीत कर करके यहां आया। यह उत्सुकता का विषय होगा, क्योंकि सभी लोग इस बात को जानते हैं कि सीट योगी आदित्यनाथ जी की रही है, उसके पहले पूज्य बड़े महाराज अमरनाथ जी महाराज की रही है, उसके पहले दिग्विजयनाथ जी महाराज की रही है। वो कौन सा शख्सियत है जो जीत करके आया है, यह आपका कमाल होगा कि कितने अधिक से अधिक वोटों से जीत उपेंद्र दत्त शुक्ल को जीता करके यहां से भेजते हैं। आज उत्तर प्रदेश में आज जी समिट की बात कर रहा था, इन्वेस्टर समिट की बात, योगी जी ने जितने का बजट रखा था उत्तर प्रदेश के लोगों की बहबूदी के लिए, वह तो छोड़ दीजिए। जब इन्वेस्टर समिट किया था तो उस इन्वेस्टर समिट में 4,28,000 करोड़ का उतना ही जितने का बजट रखा था। उद्योगपतियों ने कहा, योगी जी हम आपके क्षेत्र में उद्योग लगाने के लिए प्रस्तुत है, बताइए मुझे कहाँ उद्योग लगाना है, कहाँ रोजगार लोगों को देना है, कहाँ नौकरी देना है, किस क्षेत्र का विकास करना है। आपने संघर्ष करके गोरखपुर में एम्स तो ले लिया, संघर्ष करके गोरखपुर में फर्टिलाइजर तो ले लिया, संघर्ष करके इंसेफ्लाइटिस की दवा की बात तो कर ली, अब हमें इस बात को बताइए कि हम उत्तर प्रदेश के किस किस भागों में जाएं। शपथ ग्रहण करने के बाद ही महीने भर के बाद जिन्होंने 36,000 करोड़ रुपए खर्च करके किसानों के सारे ऋण को माफ करने का काम किया हो, उस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुखिया के नाते आज योगी आदित्यनाथ जी आप सभी लोगों को संबोधित करने के लिए उपस्थित। आज उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की चर्चा संपूर्ण भारत में होती है। कल्याण सिंह का कभी समय था जब ये कहा करते थे कि उत्तर प्रदेश में अपराधी या तो उत्तर प्रदेश के बाहर रहेंगे या उत्तर प्रदेश की जेलों में रहेंगे, और या तो वह खोए स्वयं अपना स्थान तलाश लेंगे कि वह कहां रहेंगे। आज उत्तर प्रदेश में वह अपराधी जो समाजवादी पार्टी के समय में छुटके सड़ की तरह से घूमने का काम कर रहे थे, आज अपनी जमानत निरस्त करा करके उत्तर प्रदेश की भाग भाग करके उत्तर प्रदेश के जेलों में जा रहे हैं। कई बुर्का पहन करके जा रहे हैं, कई गमछा लपेट करके जा रहे हैं, कोई जान न जाए, उत्तर प्रदेश की पुलिस देख लेगी तो पकड़ लेगी, और पकड़ लेगी तो क्या करेगी। स्वाभाविक रूप से आप इस बात को जानते हैं, क्योंकि यह समाज की आतंकवादी है। इसलिए मित्रों, आज जब भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की छोड़ी हुई दो सीटें, एक आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज और दूसरा केशव मौर्य जो उप मुख्यमंत्री है आप ही के मंत्रिमंडल में, तो इन दोनों सीटों में जो 73 की संख्या पूरी करती थी, आज 73 की संख्या पूरी कराने के लिए गोरखपुर की इस सीट से उपेंद्र जी है। मैं निश्चित रूप से आप सभी लोगों से चाहूंगा, निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि इतने बड़े बहुमत से जीता करके दीजिए, जैसे बाप को ये लगता है कि मेरा पुत्र मुझसे भी अधिक आगे बढ़े, वैसे योगी आदित्यनाथ जी को भी ये बात लगे कि मेरा उत्तरा
अधिकारी मुझसे अधिक सीट वोट पाकर करके लोकसभा में जा रहा है, दिल्ली की अदालत में जा रहा है। यह आप लोगों से निवेदित करते हुए एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल पर बटन दबा करके 11 तारीख को भारी बहुमत से उपेंद्र दत्त शुक्ल को जिताने की अपील करते हुए अपनी बात को पूरी कर रहा हूँ। बहुत बहुत सीधे गोरखपुर लोकप्रिय नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास को मैं आमंत्रित, गोरक्ष पीठाधीश्वर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उसकी आंखों में चमक जब आ जाए, उसके मन में संतुष्टि का बोध जब हो जाए, मन में राष्ट्र के प्रति एक अभिप्सा पैदा हो जाए, तो समझो कि वो राष्ट्रनायक अपने राष्ट्र धर्म का पालन कर रहा है। हम गर्व के साथ इस मत से कह सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी लगातार महात्मा गांधी के द्वारा राजनीति का यह जो उद्देश्य स्थापित किया गया है, जो लक्ष्य सामने रखे गए हैं, उन्हीं लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। दोस्तों, हम गोरखपुर के नागरिक हैं, हम जानते हैं योगी आदित्यनाथ और गोरखपुर के नागरिकों का एक दूसरे से अन्योन्याश संबंध है। हम और वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हम न योगी के बिना रह सकते हैं, और दूसरा सच यह भी है कि न ही योगी गोरखपुर के इन नागरिकों के बिना रह सकते हैं। योगी आदित्यनाथ पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन हम सब गर्व के साथ इस बात को महसूस करते हैं, जितना अधिकार हम गोरखपुर के नागरिकों का उनके ऊपर है, और जितना कुछ 11 महीने के अंदर योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के नागरिकों को दिया है, शायद गोरखपुर का एक एक नागरिक कृतज्ञ है, उनका ऋणी है, उनका आजन्म ऋणी है उनका। और आज नहीं, जब जब गोरखपुर का चुनाव होगा, जो जो योगी आदित्यनाथ का प्रत्याशी होगा, हम सब संकल्प है योगी आदित्यनाथ के प्रत्याशी के साथ मजबूती के साथ खड़े होने के लिए, और पूरे प्रदेश में उसे ऐतिहासिक मतों से विजयी बनाए रखने के लिए। सभाओं से जितने भी मतों की जीत हमें प्राप्त हो, वो हमारे लिए अतिरिक्त मत हो। हम सब योगी आदित्यनाथ के इस प्रत्याशी को, जुआ जुझारू और संघर्षशील प्रत्याशी माननीय उपेंद्र शुक्ल को ऐतिहासिक मतों से विजयी बनाए, यही प्रार्थना करता हुआ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। श्री राकेश पासवान जी समाजवादी पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हुए हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। श्री सुरेमन राजभर जी पूर्व जिला अध्यक्ष बहुजन समाजवादी पार्टी ने बसपा छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। श्रीमती चित्रा देवी पासवान समाज सेविका ने आज भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार के तरफ से उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। बहुत बहुत मेरा ये सौभाग्य है कि आज अपने नेता गोरखपुर के गौरव, संपूर्ण हिंदू समाज के गौरव, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, भारतीय राजनीति के चमकते हुए सितारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत करने के लिए मैं खड़ा हूँ। मैं आप सब के तरफ से गोरखपुर संसदीय क्षेत्र की जनता जनार्दन के तरफ से हृदय की गहराई से पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज का स्वागत करता हूँ और उनका अभिनंदन करता हूँ, उनका वंदन करता हूँ। साथ ही मंचस्थ नेतृत्व वर्ग का भी हृदय की गहराई से स्वागत और अभिनंदन करते हुए आप सभी गोरखपुर महानगर के कार्यकर्ता भाइयों, कार्यकर्ता बहनों और गोरखपुर के नागरिकों का भी मैं हृदय की गहराई से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। पूज्य योगी जी की कृपा से केंद्रीय और प्रांतीय नेतृत्व के द्वारा मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को, जो सामान्य परिवार में पैदा हुआ, आज इस लोकसभा उपचुनाव का उम्मीदवार बनाया गया है। मैंने कभी पूज्य योगी जी से या नेतृत्व से कभी चर्चा भी नहीं की थी, न मुझे कोई कल्पना थी, लेकिन कितना महान है पूज्य योगी जी, कितना उनका विराट व्यक्तित्व है कि मेरे जैसे एक
को उन्होंने अपने रिक्त स्थान पर अपने प्रतिनिधि के रूप में आपके बीच आशीर्वाद देकर के भेजा है और आज मैं आपका आशीर्वाद मांगने के लिए टाउन हॉल के इस मैदान में पूज्य गांधी जी की प्रतिमा के सामने उपस्थित हूँ। मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ, मैं निवेदन करना चाहता हूँ। उन्होंने मात्र राजनैतिक रूप से मेरी चिंता नहीं की बल्कि जीवन और मृत्यु की लड़ाई में भी जीवन रक्षक बनकर जिस प्रकार उन्होंने मेरी रक्षा की, मेरे पास तो कोई शब्द भी नहीं है कि कैसे उनके प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करूं, कैसे मैं उनके प्रति आभार प्रकट करूं। लेकिन आज इतना वचन जरूर दूंगा, प्राणों की बाजी लगा करके भी गोरखपुर के नागरिकों के सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करने का पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज के नेतृत्व में मैं संकल्प लेता हूं और मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, 37 वर्षों की मेरी राजनीतिक यात्रा हुई, मैंने पुलिस की लाठियां खाई है, मैं जेल गया हूं। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने जो सड़क से संसद तक संघर्ष किया, उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में आपके विकास की जो उन्होंने यात्रा प्रारंभ की, जो विकास की गंगा बहाई, जो उन्होंने विकास का बागीचा लगाया, मैं उसे एक माली बन करके सींचने का काम करूंगा। उनके सम्मान को और आगे बढ़ाते हुए माननीय नरेंद्र मोदी, माननीय अमित शाह, माननीय महेंद्र पांडे की योजना के आधार पर पूज्य योगी जी के नेतृत्व में जो वहाँ विकास की व्यवस्था आगे देंगे या जो दिया है उन्होंने, मैं एक चौकीदार बन करके लगातार उसकी रखवाली करने का, उसकी प्रगति के लिए प्रयत्नशील रहूंगा। एक बार पुनः मंचस्थ पूज्य योगी आदित्यनाथ के श्री चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम करते हुए मंच में गए नेतृत्व वर्ग का अभिवादन करते हुए आपके समक्ष शीर्ष झुकाकर प्रणाम करते हुए आशीर्वाद मांगता हूँ। 11 तारीख को आप बूथ पर जाइए, ये मेरे सम्मान की लड़ाई नहीं, ये लड़ाई तो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के सम्मान की लड़ाई है। हम तो उनके सिपाही है, अपने नेता गोरखपुर के गौरव, हिंदू समाज के गौरव, पूज्य योगी आदित्यनाथ के इस सम्मान की लड़ाई में आप प्राणपण से जुटकर 11 तारीख को शानदार मतों से कमल की बटन दबाकर चौदह की मतगणना में आप भारतीय जनता पार्टी को जितावे, भारत माता की जाके केंद्र गोरख पीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज से मैं प्रार्थना करता हूँ, हम सभी को आशीर्वाद दे। भारत माता की, भारत माता की। आज की सभा के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के एक कर्मठ और जुझारू प्रत्याशी शिवपेंद्र दत्त शुक्ल के पक्ष में इस सभा को संबोधित करने के लिए मैं आपके बीच में यहाँ पर आया हूँ। मैं जानता हूँ कि वैसे भी आप सब लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में घर घर जाकर के वोट मांगेंगे और ऐतिहासिक मतों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने में अपना योगदान देंगे, लेकिन अपना फर्ज समझते हुए, क्योंकि 5 बार लगातार आप लोगों ने मुझे गोरखपुर से सांसद बनाकर के भेजा, कभी मुझसे ये नहीं पूछा कि ये काम हुआ नहीं हुआ। चुनाव में मैं आपके पास आता था नहीं आता था, तब भी एक एक वोट महानगर से गोरखपुर संसदीय क्षेत्र से मेरे पक्ष में जाता था और मुझे 2014 के लोकसभा चुनाव में 3,45,000 से अधिक मतों से गोरखपुर से आप लोगों ने चुनाव जिता करके भेजा, उसके प्रति सदैव कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए मैं बार बार गोरखपुर आता हूं और विकास की उस प्रक्रिया के साथ आपको जोड़ने का प्रयास करता हूं। वर्षों से जो आपकी तमन्ना है,
कि गोरखपुर भी पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रमुख महानगर के साथ साथ विकास की प्रक्रिया के साथ आगे बढ़े, और इसीलिए जो वर्षों की तमन्ना थी फर्टिलाइजर बंद कारखाने को चलाने के लिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अपील करके, अनुरोध करके, उन्हें गोरखपुर में आमंत्रित करके उसका शिलान्यास करके उसके कार्य को प्रारंभ कराया गया। पूर्वी उत्तर प्रदेश के नागरिकों को भी बेहतरीन स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध हो, एम्स का शिलान्यास और एम्स के कार्य का शुभारंभ भी हम लोगों ने गोरखपुर में करवाया। ग्यारी मेडिकल कॉलेज में 8 नई सुपर स्पेशलिटी और बाल रोग संस्थान की स्थापना हो, इस कार्य को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य हुआ। गोरखपुर में प्राणी उद्यान का की स्थापना, हमारा प्रयास है कि इस वर्ष के अंत तक उसको पूरा करते हुए, यहाँ पर आज वन और पर्यावरण मंत्री भी बैठे हुए हैं, वे स्वयं इसको देख रहे हैं, और व्यक्तिगत रुचि लेते हुए कैसे उत्तर प्रदेश में हम टूरिज्म को विकसित कर सकते हैं, इसके लिए निरंतर प्रयास हो रहा है। इसी प्रकार से गोरखपुर में 1987 से अधूरे पड़े प्रेक्षागृह को पुनः हम चला सके, एक नया प्रेक्षागृह यहाँ पर बन सके, आज यहाँ पर वह कार्य हो रहा है। रामगढ़ ताल की परियोजना आप लोग 1985-87 से सुन रहे हैं, लेकिन कभी कार्य नहीं हो पाया। पहली बार रामगढ़ ताल परियोजना भी मूर्त रूप लेती हुई दिखाई दे रही है, और वाटर स्पोर्ट्स के कार्यक्रम के साथ हम उसको जोड़ करके और बेहतर तरीके से उसको आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश की बंद हुई चीनी मिलों को आगे बढ़ाते हुए विकास और सुशासन के जिस लक्ष्य को लेकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर लोकप्रिय हुए हैं, उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश के अंदर कार्य करते हुए आज हम सब आपके बीच यहां पर उपस्थित हुए हैं। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में सब कुछ होने के बावजूद क्यों उत्तर प्रदेश बदहाल था, क्यों उत्तर प्रदेश का नौजवान यहां से पलायन करता था, क्यों उत्तर प्रदेश का व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस करता था, क्यों उत्तर प्रदेश का किसान यहां पर आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहा था, क्यों उत्तर प्रदेश के अंदर बहन और बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करती थी। जब शासन सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति स्वयं चोर और डकैतों का प्रश्रयदाता बन जाए, स्वयं अनैतिक और अराजक गतिविधियों में लिप्त हो जाए, भ्रष्ट गतिविधियों को प्रश्रय देने लग जाए, तो फिर ये उम्मीद करना कि वहां पर उद्योग धंधे फलेंगे, व्यापार फलेगा फलेगा, किसानों में खुशहाली आएगी, विकास कार्य आगे बढ़ेगा, यह अपने आप में एक युवा स्वप्न है। और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी 15 वर्षों तक प्रदेश के अंदर यही सब करती रही। उन्होंने प्रदेश के अंदर अराजकता फैलाई, गुंडागर्दी फैलाई, कोई यहां पर निवेश करने के लिए नहीं आना चाहता था, यहां का उद्योगपति यहां से प्लान कर रहा था, कारण है उसको सुरक्षा की गारंटी नहीं मिल पा रही थी। आज हम सब आपके पास आए हैं, 21-22 फरवरी को जब हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के में पहली बार राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट किया, आप आश्चर्य करेंगे देश का एक एक उद्योगपति और दुनिया का बड़ा सारा उद्योगपति उत्तर प्रदेश में आने के लिए लालायित दिखा, और उन सबके मुंह से एक बात सुनते हुए दिखाई दी कि साहब हम उत्तर प्रदेश में आना तो चाहते थे लेकिन इसलिए नहीं आ पाते थे क्योंकि अगर हम 5,000 करोड़ रुपए का निवेश करना चाहते थे तो पहले की सरकारें हम लोगों से कहती थी कि पहले हमारा हिस्सा इसमें दो, निवेश करो या ना करो। जहां पर सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति स्वयं बेमान हो जाए, भ्रष्ट हो जाए, वहां पर ये उम्मीद करना कि वहां पर निवेश होगा, यह बेमानी के सिवाय कुछ भी नहीं होगा, और इसीलिए आज हम सब आपके पास आए हैं। अभी तो उत्तर प्रदेश के अंदर 2 उपचुनाव हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी ने सौदेबाजी करके एकजुट होने का प्रयास किया है, केवल त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय के रिजल्ट को देखते हुए। आने वाले समय में जब पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में 2019 में 80 की 80 सीटों पर जीत के अपने अभियान को लेकर के आगे बढ़ेगी, तब इन भ्रष्टाचार को प्रश्रय देने वाले
अराजकता को बढ़ावा देने वाले, उत्तर प्रदेश को दंगों के आग में झोंकने वाले तत्वों का क्या बीत रही, क्या बीतेगी? आपने देखा होगा कितनी तड़प है इन लोगों में अब सत्ता गंवाने की, इतनी तड़प इन लोगों में उत्तर प्रदेश की जनता के विकास के लिए होता, उत्तर प्रदेश में विकास और सुशासन के मंत्र को लागू करने के लिए होता, उत्तर प्रदेश इतना बदहाल नहीं होता। हम लोग जब आए थे उत्तर प्रदेश में चार जनपदों में केवल बिजली मिलती थी, 71 जिलों में बिजली नहीं थी। गोरखपुर की जनता तो इसका साक्षी है, हमारे साथ सड़कों पर उतर करके गोरखपुर की जनता को भी 10 घंटे 12 घंटे बिजली मिले, इसके लिए हम लोग लड़ते थे। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन हम लोगों ने गोरखपुर समेत प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालय को 24 घंटे की विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित कर दी है। कोई भेदभाव नहीं, आज बिजली मिल रही होगी आप लोगों को। हम लोगों ने जो कहा उसके अनुसार कार्य भी किया। प्रदेश के अंदर गड्ढा मुक्त सड़कें हो, आज आपको हर सड़क पर कार्य होता हुआ दिख रहा होगा। पहले पैसा आता था, पैसा समाप्त तो भी हो जाता था लेकिन कार्य नहीं होता था। 121,000 किलोमीटर की सड़कें प्रदेश के अंदर गड्ढा युक्त थी। कारण है, इन दलों ने भ्रष्टाचार के माध्यम से लूट खसोट जो मचाई थी, ये गड्ढे उनके पाप और भ्रष्टाचार के गड्ढे थे। उन गड्ढों को भरने में समय लगा, लेकिन हम लोगों ने तब भी प्रण लिया था कि उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त सड़कें देंगे और उस लक्ष्य को लेकर के निरंतर प्रयास कर रहे हैं। आज प्रदेश के अंदर 2 लेन 4 लेन और 6 लेन की सड़कें बनती हुई दिखाई दे रही है। गोरखपुर का औद्योगिक विकास हो, हम लोगों ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को गोरखपुर लिंक भी दिया है, व्यापक औद्योगिकरण हो रहा है। गोरखपुर में बायोफ्यूल का भी एक नया कारखाना हम गोरखपुर को देने जा रहे हैं, जिसमें 1500 करोड़ रुपए की लागत से और लगभग 3000 से अधिक युवाओं को नौकरी की संभावना जिसके माध्यम से बनती हुई दिखाई दे रही है। जितना बड़ा इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है, जब ये सभी MOU को हम यहाँ पर प्रदेश के अंदर फॉलोअप करके उसको हम जमीन पर उतार देंगे, 33 लाख से अधिक युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का कार्य उसके माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग करेंगे। आज प्रदेश के अंदर भर्ती की प्रक्रिया को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है, वर्षों से नहीं हो पाया क्योंकि न्यायालय ने स्टे कर रखा था। जहां पर भी इन पिछली सरकारों ने सपा रही हो या बसपा, उनकी नियत में खोट देख करके न्यायालय को स्टे करना पड़ता था। और आज जब हम लोगों ने इस प्रक्रिया को पूरी पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाना प्रारंभ कर दिया है, 1,37,000 तो केवल बेसिक शिक्षा में शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं, 1,62,000 पुलिस के पद जो खाली हैं प्रदेश में, सब इंस्पेक्टर के, कांस्टेबल के, फॉलोअर के, इन सबको भरने की तैयारी हमारे द्वारा प्रारंभ कर दी गई है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से 20,000 की पिछले कई वर्षों से रुकी हुई नियुक्तियों को एक बार पुनः भरने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। माध्यमिक शिक्षा में 10,000 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। उच्च शिक्षा में भी भर्ती के लिए खाली पड़े हुए उन शिक्षकों के पदों को भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ा करके हम लोगों ने एक बार नई व्यवस्था देने का कार्य किया है। हमारी सरकार ने तय किया है कि भ्रष्टाचार की जड़ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर भी अंकुश कसेगा, लेकिन साथ ही साथ हम लोग यह भी व्यवस्था सुनिश्चित किए कि ग्रुप थर्ड और ग्रुप फोर्थ की जितनी भी नियुक्तियां हैं इनमें किसी भी प्रकार का कोई इंटरव्यू न हो, जिससे मेरिट के आधार पर, रिटर्न टेस्ट के आधार पर हम उत्तर प्रदेश के नौजवान के हक को उसको दे सकें। और आज उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के क्रम में हम सब आपके बीच आए हैं। भाइयों बहनों, सपा और बसपा आज एकजुट होने का प्रयास की है, लेकिन आप सब जानते हैं कि अवसरवादी गठबंधन है, ये सौदेबाजी है, और ये सौदेबाजी प्रदेश की जनता की भावनाओं के साथ, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके किया गया है। इसलिए आप सबसे अपील है कि महानगर के क्षेत्र में अधिकतर मतदाता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करता है, लेकिन मतदान के प्रतिशत को बढ़ाना होगा। अगर महानगर में मतदान के प्रतिशत को आप 60% कर दें, अकेले गोरखपुर महानगर से सुपेंद्र दत्त शुक्ल 60
ढाई लाख मतों से विजयी बन सकते हैं, ढाई लाख की बढ़त अकेले महानगर से हो सकती है। और आप सबसे यही अपील करने के लिए मैं आया हूँ कि महानगर के अंदर 60% तक मतदान के प्रतिशत को बढ़ाइए, उससे ऊपर करेंगे उतने ही हर 1% में 10,000 वोटों की बढ़ोतरी अपने आप होती हुई दिखाई देगी। और इसलिए अपील, महानगर में अधिक से अधिक मतदान के लिए लोग निकलें, और इसके लिए आप सभी मतदाता बंधुओं को, भाइयों बहनों को निकलना पड़ेगा, अभियान एक जागरूकता के अभियान के साथ जुड़ना पड़ेगा। क्योंकि आप जानते हो उपेंद्र दत्त शुक्ल अपने आप अंतिम समय में उनको प्रत्याशी घोषित किया गया, एक संगठन के पदाधिकारी, एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में पिछले 30 वर्षों से कार्य कर रहे थे, और जब मौका आया आपने, पार्टी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के दायित्व संभालने के लिए भेजा, सीट खाली करनी पड़ी। तो उस समय जब यह अवसर आया तो हम लोगों ने उपेंद्र दत्त शुक्ल को प्रत्याशी के रूप में मैंने अपने प्रतिनिधि के रूप में आपके पास भेजा है। और मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि जैसे पूरी व्यवस्था के साथ जुड़ करके मेरे लिए आप लोग लगते थे, ऐसे ही आप सबसे अपील है, उपेंद्र दत्त शुक्ल घर घर नहीं जा सकते, एक एक परिवार के पास मतदान या भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान की अपील नहीं कर सकते। ये कहना कि व्यक्तिगत रूप से जब प्रत्याशी कहेगा तब हम जाएंगे, यह कठिन है। चुनाव के बाद आप इस बात की अपेक्षा रख सकते हैं, लेकिन चुनाव के पहले बड़ा संसदीय क्षेत्र काफी बड़ा होता है, 5-5 विधानसभाएं होती हैं, एक एक विधानसभा में 400-400 बूथ है, एक एक विधानसभा में लगभग 4 लाख से लेकर 4.5 लाख तक मतदाता है। इसलिए एक एक मतदाता ये अपेक्षा करेगा कि प्रत्याशी जब मुझे स्वयं कहेगा तब मैं मतदान के लिए जाऊंगा, ये कठिन होगा। इसलिए आप सबसे अपील है, स्वयं उपेंद्र दत्त शुक्ल बनकर के एक एक घर को जागरूक करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील के साथ आप सब जुड़े। इस अपील के साथ आप सबसे मैं 11 मार्च को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उपेंद्र दत्त शुक्ल को भारी मतों से चुनाव जिताने की अपील करते हुए वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम। आभार ज्ञापन के लिए। सदर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी उपेंद्र दत्त शुक्ल के प्रचार प्रसार में गोरखपुर आए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं भारत सरकार के पूर्व मंत्री कलराज मिश्र ने गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कहा कि मोदी और योगी के सरकार के विकास कार्यों को देखकर विपक्षी पार्टियां हताश और निराश हो गई हैं, इसी कारण वो अनर्गल बयानबाजियां कर रही हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के विकास कार्यों से जनता काफी प्रफुल्लित है, भाजपा पर लोगों में विश्वास का भाव पैदा किया है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी उपेंद्र शुक्ल को भारी मतों से विजयी बनाने का जनता संकल्प ले चुकी है। चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी को प्रबल बहुमत मिला और सरकार बनी, उस सरकार की अगुवाई गोरखपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री के रूप में हुए, और फूलपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद श्री केशव प्रसाद मौर्य जो उस समय अध्यक्ष थे वे उप मुख्यमंत्री हुए। ऐसे स्वाभाविक है कि सांसद रहते हुए पार्टी ने उनको उत्तर प्रदेश को, उत्तर शासन को चलाने की जिम्मेदारी दी, तो स्वाभाविक है कि संसदीय क्षेत्र के प्रतिनिधि पद से त्यागपत्र देना पड़ता और त्यागपत्र दिया, और इस कारण ये दोनों सीट खाली हुई और चुनाव कराना पड़ रहा है। मैं अभी फूलपुर संसदीय क्षेत्र में गया था और आज यहाँ भी आया हूँ। जिस प्रकार का जनता के बीच में एक विशेष धारणा बनी है कि इस समय
भारतीय जनता पार्टी ही एक मेल पे देश भर में पार्टी है जिसका कोई विकल्प नहीं है। और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में एक में वैसे नेता हैं जिनका नेता के रूप में कोई दूसरा विकल्प नहीं है। और इसलिए जहां भी हमारे पार्टी के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री जी जिन प्रदेशों में जा रहे हैं, चुनाव हो रहे हैं, प्रभावित तौर पर विजय प्राप्त होती जा रही है। और अभी तक कहा जाता था कि हिंदी भाषी क्षेत्रों में ही भारतीय जनता पार्टी विजयी होती है कार्य है, लेकिन पूर्वोत्तर भारत में विजय करने के पश्चात लोगों ने अनुभव करना शुरू कर दिया कि नहीं, अब तो ये पूरी भारत की पार्टी है। सब तरफ पार्टी के प्रति एक अनुकूलता का माहौल बना है और जो सामने दूसरी पार्टियां आ रही हैं उनके हाव भाव, उनके कर्तृत्व और उनके कार्यकलाप, इससे लगता है कि वे लोग अपने अस्तित्व को बचाने के लिए चिंतित हैं और यत्नशील हैं, क्योंकि उनको भी लग रहा है कि हम जीत नहीं पाएंगे। ये जनता के मन के अंदर की धारणा सब तरफ दिखाई पड़ रही है और इसलिए लोगों ने मन बना लिया है कि सब तरफ जब विजय श्री भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रही है तो ये तो संसदीय क्षेत्र का उपचुनाव है, इसमें तो विजय प्राप्त करना ही है भारतीय जनता पार्टी को। और इसलिए इस अनुकूलता के आधार पर और जहां जहां जिस तरीके से लोग मिल रहे हैं, लग रहे हैं, उसको देखकर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं दोनों संसदीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को विजय प्राप्त होगी। उपचुनाव में हार जीत जब होती है, जो सत्ता में पार्टी बनी रहती है और काफी मतों से बहुमत रहता है तो एक दो सीट के हार जीत से उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज होती है कि उसके कारण अगर जीत हो गई तो पार्टी के कार्यक्रमों और साथ ही साथ उम्मीदवारों दोनों के प्रति लगाव होने का एक परिणाम मिलता है। हार होती है तो इस बात का द्योतक होता है कि क्या कहीं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के कमी के कारण लोगों की नापसंदगी हुई है या जो उम्मीदवार है उसके प्रति लोगों की नापसंदगी है इसके कारण हार हुई है, तो एक सैंपल बनता है उस क्षेत्र में जनता के चिंतन का एक सैंपल बनता है उपचुनाव। और इसलिए इस दृष्टि से उपचुनाव महत्वपूर्ण होते हैं कि उस क्षेत्र में चिंतन किस प्रकार है, पार्टी के प्रति, उम्मीदवार के प्रति या सरकार के द्वारा किए गए कार्यक्रमों के प्रति पार्टी उसे विश्लेषण करती है। इसलिए मैं इस बात पर जोर देता हूं उपचुनाव में विजय प्राप्त करने के लिए गंभीरता पूर्वक कोशिश करनी चाहिए, बूथ स्तर तक प्रबंधन ऐसा होना चाहिए ताकि लोगों को जो समाज के अंदर एक अनुकूलता का माहौल है उसको हम जोड़ सके और मत पेटिका में आईवीएम मशीन में उसको हम डलवा सके। इसी दृष्टि से दोनों संसदीय क्षेत्रों के चुनाव में हम लगे हुए हैं और इसलिए आपने देखा होगा कि आदरणीय श्री योगी जी यहाँ दो या तीन बार तो आई चुके हैं और फिर आने लगातार उसी प्रकार से पूर्व संसदीय क्षेत्र, तो हमें निश्चित लगता है विजय होगी, लेकिन तो भी किसी प्रकार की कमी न रहने पाए इस बात को ध्यान में रखकर हमारे नेतागण भी, हमारे कार्यकर्तागण भी उस दृष्टि से लग रहे हैं और इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि किसी प्रकार की विजय प्राप्त करने में कठिनाई नहीं आएगी। दूसरी पार्टियां हैं उनको परेशानी हो रही है, परेशानी इसलिए हो रही है कि जो सरकार है चाहे प्रदेश सरकार है चाहे केंद्र सरकार है दोनों सरकारों के प्रति अभी जनता के मन के अंदर नकारात्मकता का भाव
नहीं हुआ है, अभी कोई निगेटिविटी नहीं, और निगेटिविटी न होने के कारण लोग तुलना करते हैं कि इसके पहले की जो सरकार थी, चाहे केंद्र में चाहे प्रदेश में, उनका क्या कार्यक्रम था, अब यह सरकार क्या कर रही है। तुलनात्मक आधार पर चाहे गांव की जनता हो, चाहे शहर की जनता हो, चाहे पत्रकार मित्र हो, चाहे बुद्धिजीवी वर्ग, ठीक है कुछ चीजें हो सकती है कि मन के अनुकूल नहीं हो रही, लेकिन सामान्य तौर पर जब तुलना लोग करते हैं तो लोगों को लगता है कि नहीं नहीं ये सरकार चाहे प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार, उन सरकारों से काफी बेहतर है, और जब बेहतर है तो निगेटिविटी नहीं समाप्त होती, जब निगेटिविटी नहीं है और ये सरकार विकास के कार्य को प्राथमिकता दे, कानून व्यवस्था को प्राथमिकता दे, अब मैं कह सकता हूं कि प्रदेश के अंदर जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, प्रारंभ में लोगों लगा था कि इससे पहले की जो सरकार थी, जैसे अगता अभी हम पूछ गए हैं, पहले की सरकार थी उसमें कितना लोगों के मन के अंदर गुंडों से पुलिसकर्मियों से इतना उत्पीड़न किया जाता था, एक लोगों के अंदर आतंक का भय था, लोगों को लगता था कोई जाएगा तो बच के आएगा कि नहीं आएगा, यह स्थिति जहां थी आज केवल 10 महीने हुए हैं, 10 महीने में काफी मात्रा में जिस ढंग से अपराधियों के प्रति कठोरता का व्यवहार किया गया है, अपराधी या तो जेल में होगा या प्रदेश के बाहर, यह खौफ अपराधियों के अंदर अपराधियों के अंदर विद्यमान हो गया है, और इसे अपराध करते समय 10 बार पूछ रहा है, इसका एक बड़ा सकारात्मक प्रभाव हुआ है कानून व्यवस्था से संबंध में, और जहां तक विकास का प्रयास है, विकास के कार्य तो निरंतर चल रहे हैं, केंद्र सरकार की तरफ से भी प्रदेश सरकार की तरफ से। स्वयं अगर गोरखपुर के बारे में विचार करें तो मैं कह सकता हूं कि गोरखपुर में वर्षों से पड़ा हुआ फर्टिलाइजर का कारखाना उसको जीवंत किया है, वो फर्टिलाइजर का कारखाना जीवंत है, लगातार एम्स के बारे में चर्चा की जाती थी कि हाँ एम्स खुलना चाहिए, उसका शिलान्यास हो गया है, रामगढ़ ताल की परियोजना है, कई बार हमने प्रयास किया कि जो सरकारें हैं उसका सुंदरीकृत करते हुए पर्यटन का अच्छा खासा स्तर बनाए, लेकिन नहीं कर पाई, उसके लिए काफी पैसा खर्च कर रहा, एक अच्छा पर्यटन स्थल बने, केंद्र बने, उस दृष्टि से प्रयास चल रहा है। एक्सप्रेस हाईवे ये बनाने की घोषणा भी हो गई है, योजना भी कार्यान्वित हो रही है, गोरखपुर शहर में पाइपलाइन द्वारा गैस दिए जाने की ये घोषणा नहीं है, होने वाला है। राजकीय पॉलिटेक्निक साजनवा को और व्यवस्थित करने का किया जा रहा है, चीनी मिल पावर प्लांट, नवीन गन्ना शोध संस्थान डिस्टिलरी, ये घोषणा पहले की जा चुकी है, पूरे शहर का सुंदरीकरण किया जाएगा, और इसलिए गोरखपुर संसदीय क्षेत्र में विकास के और भी काम को कराते हुए उसको उसका एक परिणाम देने का प्रयास किया जा रहा है। गोरखपुर इस क्षेत्र में ही नहीं तो पूरे प्रदेश भर में और देश भर में एक ऐसा केंद्र बिंदु बने जो अपने स्वच्छता के लिए भी, सुंदरीकरण के लिए भी, और साथ ही साथ पर्यटन स्थल तथा बौद्ध सर्किट के रूप में जो क्षेत्र सारे आते हैं उसके बीच में रहने के कारण एक केंद्र बिंदु के रूप में लोगों को आकर्षित कर सकने में सक्षम हो सके, ऐसा गोरखपुर को बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अब मैं समझता हूँ ये योगी जी ने स्वयं सांसद के रूप में भी करने की कोशिश की थी, अब तो मुख्यमंत्री है स्वाभाविक रूप से इसका होगा, और इसलिए ये बातें भी जनता के बीच में हम लोगों के द्वारा रखने का प्रयास किया जा रहा है, और निश्चित रूप से जनता इन सारी चीजों को देखकर इस क्षेत्र के उम्मीदवार आदरणीय श्री उपेंद्र शुक्ला जी को निश्चित रूप से विजय बनाएंगे, और जहाँ तो उपेंद्र शुक्ला जी का प्रश्न है वो हमारे पार्टी के बड़े पुराने कार्यकर्ता हैं,
जब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था युवा मोर्चा का, मैं 1979 की बात है, उस समय यहाँ आपको कार्य में लगाया गया, तब से लगा निरंतर विभिन्न जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए काम करते रहे हैं, जो भी पार्टी निर्देशित करती रही है काम करने का उन्होंने प्रयास किया है प्राणपण से, और क्षेत्रीय अध्यक्ष थे अभी लगातार दो टर्म, तीसरा टर्म, और इस पार्टी ने यहाँ से उनको उम्मीदवार बनाया है। मुझे पूरा विश्वास है एक निष्ठावान समर्पित और किसी भी प्रकार का जिसके ऊपर दाग नहीं, ऐसा हमारा उम्मीदवार प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से किए गए कार्यक्रमों की विकासात्मक योजनाओं का एक सकारात्मक रूप, ये सारी चीजें मिलाकर निश्चित रूप से विजयश्री प्रदान करेगी। हम नहीं बोले कि हम ये हैं, हमने ये भी कहा कि हम क्या हैं, ये बताएं। वो भी हिंदू है, वो भी हिंदू, हिंदू नहीं है। अरे वो पैरक्षित संस्कारित आदमी है, हम लोग भी पैरक्षित, तो ये तो हिंदू संस्कार का ये प्रणाम है, और हिंदू संस्कार हमेशा पॉजिटिविटी पैदा करता है, पूरे विश्व लोग स्वीकार करते हैं, यही हिंदू संस्कृति और भारतीय संस्कृति की विशेषता है। तो अगर हम हिंदू कहते हैं तो ये अच्छी बात है, और इस पर किसी को इतराज नहीं होना चाहिए। अगर उनको लगता है कि हिंदू कहने से जनता नाराज होती है, जनता ने क्यों प्रबलम होता हमें प्रदान किया, हम तो हमेशा कहते हैं, इसका मतलब नहीं कि बाकी संप्रदायों से किसी प्रकार का हमारा मन मुटाव है। कुछ हल्का थे जैसे राजनाथ जी थे पहले ईद में जो है टोपी ओपी लगा घूमते थे, अब नहीं, तो क्या कल्चर बदल गया क्या भैया? अभी तो पता नहीं, अभी तो बोले भाई सबको अपने अपना धार्मिक कृत्य करने का अधिकार है, क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसमें विभिन्न मजहबों के लोग रहते हैं, लोकतांत्रिक स्वरूप है हिंदुस्तान का, सब लोग अपना अपना काम करते हैं, उसमें किसी प्रकार का व्यवधान नहीं। हम हिंदू परिवार में पैदा हुए तो अपना काम करके अपना धर्म मनाएंगे, अपना उत्सव मनाएंगे, सबको सामूहिक रूप से समृद्ध करने का प्रयास करेंगे, इसी ढंग से बाकी के लोग भी अपना करें, उसमें किसी भी प्रकार की बाधा पैदा करना, उसमें किसी भी प्रकार की हिंसात्मक स्थिति का निर्माण करना जो करता है तो उसका श्रेय ले लो, हम मना काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, लोगों के सामने दिख रहा है ये कर रहे हैं, तो हम कर रहे हैं, तो उसमें कहेंगे कि हम कर रहे हैं, ठीक है उन्होंने शुरू किया बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हम तो कर रहे हैं भाई, और उसको और हम आगे तेजी के साथ अपनी योजना बनाकर अपने कार्यक्रमों के माध्यम से उसको व्यवहारिक स्वरूप प्रभावित तौर पर दे, हमने नहीं मना किया था, और मेरी व्यक्तिगत रूप से मान्यता नहीं है कि प्रदेश के या देश के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कोई हुआ होगा तो प्रदेश के विकास के लिए काम करने की मानसिकता जरूरत है, उन्होंने भी कार्यक्रम बनाया, काम करने की कोशिश की होगी, लेकिन उनका तंत्र बड़ा से था जो उसको आम जनता के पास पहुंचने नहीं देता, उस तंत्र को रोक सकने में सक्षम नहीं थे, और उसके कारण ही बदनामी हुई, उसके कारण ही भ्रष्टाचार पनपा, जब विकास का कार्य तेजी से बढ़ता है तो भ्रष्टाचार का समापन होता है, अब विकास कार्य उसी समय तेजी से बढ़ेगा जब सुशासन पारदर्शिता हो, पारदर्शिता और सुशासन विकास काम के प्रक्रिया को तेज करने में सहयोगी होता है, यह हमने किया है, बाकी के लोगों ने कार्यक्रम नहीं बनाया होगा काम करने के लिए आगे नहीं बढ़ोगे, ये मैं नहीं मानता, क्या लेकिन वो वही चीज होती है जैसे स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने कहा था कि बजट का जो हिस्सा होता है जनता के लिए अगर 100 रुपया है दिया जाता है तो उसके बाद 15 रुपया पैसा बनता है, बीच में कौन खा जाता है, दलाल खा जाता है, और दलाल कौन
हमने इसको खत्म किया है और आपको जानकर खुशी होगी, पहली बार हिंदुस्तान के अंदर हुआ, पहली बार 35 करोड़ लोग केवल एक व्यवस्था के कारण लाभान्वित हुए हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सीधे उनके खाते में पैसा, 35 करोड़ लाभान्वित हुए हैं और 64,000 करोड़ ये फायदा हुआ है। क्यों इससे 64,000 करोड़ क्यों इससे जो 64,000 करोड़ दलाल खाता रहा होगा ना, ये हम ही ने रोका है, सुशासन के कारण रोका है। सुशासन करते नहीं, अब वो देखिए चाहे सपा हो चाहे बसपा, ये कोई भी समझता तक दोनों आपस में कभी मिलेंगे। लेकिन आश्चर्य लगा मुझे सुश्री मायावती जी के द्वारा कि जब उन्होंने ऐलान किया कि मेरा समर्थन समाजवादी पार्टी को होगा भारतीय जनता पार्टी, ये पढ़ करके मुझे स्वयं आश्चर्य लगा, क्योंकि अभी स्टेट के साउथ कार्ड शायद भूला नहीं होगा किसी, मैं तो रहा हूं बचाने वाले हूँ वर्णन करना ठीक है। जिन्होंने संकल्प किया कि कभी भी हम इनके साथ जुड़ नहीं सकते, ये सुनकर मुझे आशा लगा और फिर ये भी साथ में आ गया। अब ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी निराश हो, हम कहेंगे निराश, ये दोनों लोग जो विभिन्न विचार के होने के पश्चात भी और कट्टरता के भयंकर होने के पश्चात भी वो अपने अस्तित्व के लिए परेशान हो गए कि बीजेपी का जो विकास रथ बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है इसमें तो कहीं के नहीं रह गए, हताशा निराशा जो आपस का जो गठबंधन है, हताशा निराशा कुंठा फ्रस्ट्रेशन इसमें से उपजा हुआ है गठबंधन। और ये गठबंधन उसी समय होता है जब व्यक्ति समझता है कि भाई हमारे अंदर तो दम नहीं है, हम नहीं जीत पाएंगे, दम नहीं है, जीत नहीं पाएंगे। जब जीत नहीं पाएंगे ये व्यक्ति के मन के अंदर आती हुआ इसको कहते हैं पराजित मानसिकता। ये पराजित मानसिकता से उत्पन्न हुआ गठबंधन, कई जगह तो आप लोगों ने गठबंधन किया, पराजित मानसिकता बताता हूं उसको, पराजित मानसिकता से पैदा हुआ गठबंधन कभी सफल नहीं हो सकता। जहां पर बीजेपी का प्रश्न है हम तो जीतते जा रहे हैं, हम किसी गठबंधन करें चाहे न करें जीत रहे हैं, लेकिन हम लोगों को बांध रहे, हम लोगों को जोड़ रहे, जोड़ इसलिए रहे हैं कि हमने नारा प्रारंभ से लगाया है, आज से भी प्रारंभ से वो नारा है सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास नारे के लिए हमने उच्च स्तर पर सबका इन्वॉल्वमेंट हो इसके लिए हम साथ मिले, सबके इन्वॉल्वमेंट के लिए साथ मिलोगे, हमें पता हम जीतेंगे, सब लोग इसमें जुड़े काम आगे बढ़े, हमारी सकारात्मक मानसिकता है, विकासात्मक मानसिकता है, सबको साथ लेकर चलने वाली मानसिकता है, या पराजित मानसिकता से प्रेरित होकर हताशा कुंठा से उत्पन्न गठबंधन है, इसलिए कभी भी सफल नहीं हो सकता। कोई समीकरण विकास को प्राथमिकता देते रहे, गरीब और मजहबी भेद को छोड़कर काम करना शुरू किया, लोग हमारे साथ जुड़े तो लोग परेशानी कर, और उसका प्रमाण है चाहे केंद्र सरकार में होगा लोकसभा चुनाव में और चाहे प्रदेश के चुनाव, प्रदेश के चुनाव में सारे जाति भेद वर्ग भेद को छोड़कर लोगों ने मतदान किया, और नहीं मतदान किया होता तो 325 सीटें कैसे आ इतना है? तो वो जो समीकरण है जिसको आप कह रहे हैं वो चाहे अनुसूचित जाति का होगा चाहे पिछड़े वर्ग का होगा चाहे बाकी का हो, जिसको लेकर उगड़ा इतरा रहे हैं वो तो ध्वस्त हो गया है, वो काफी मात्रा में भाषण पूरा है। और मुसलमानों में भी, मुसलमानों में जब 3 तलाक का मामला है तो पहले तो लोगों को बड़ी परेशानी हुई, मुस्लिम महिलाओं को लगा पहली बार कोई ऐसा एक नेता है कोई ऐसी पार्टी आई है जिसने हमारी बात की है उत्पीड़न की बात की है उसे हम कानून रहे, उसमें भी एक बहुत बड़ा वर्ग हमारे साथ जुड़ा है। तो ये सारा हमारा किया कला है कार्य है, मोदी जी जो 125 करोड़ की बात कहते हैं उसके अंदर समाहित है और उसके कारण
ये विजय से प्राप्त हो रही है, इसके कारण लोग निराश हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर गोरखपुर पुलिस के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन रिजर्व पुलिस लाइन परिसर में किया गया, जिसमें महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के गुर सिखाए गए। इस अवसर पर आईजी नीलाब्जा चौधरी, एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज, एसपी नॉर्थ गणेश साह, एसपी चारू निगम सहित पुलिस के जवान, विभिन्न समाज सेवी संगठनों के लोग, स्कूली बच्चे तथा गणमान्य लोग मौजूद रहे। महिला दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में महिलाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए गए और खुद भी सीओ खजनी चारू निगम ने ताइक्वांडो के द्वारा आत्मरक्षा के टिप्स दिए। अपने संबोधन में आईजी नीलाब्जा चौधरी ने और एसपी नॉर्थ गणेश साह ने कहा कि महिलाओं के अपने अंदर छिपे झिझक को समाप्त करना होगा और समाज के साथ खड़े होकर आत्मसम्मान के साथ जीना होगा। उन्होंने इस संदर्भ में कहा, अपने आप को फिर से दृढ़ संकल्प करते हैं, अपनी जो थोड़ी एसोसिएशन एक मिक्स मार्शल आर्ट की संस्था है, अपनी जो क्रियाएं हैं उसका प्रदर्शन करें। थूडो की प्लेयर रहे, जोरदार तालियां बजाइए प्लीज। इतना आसान नहीं होता है किसी भी मंच पर पहुंचना। अच्छा ये है कि आप यहाँ से कुछ सीख कर जाए, कुछ बेसिक टेक्निक्स हैं कि जिसके हैं नाम बहुत से, तो वहाँ से आपको निकलना है, कितनी भी तेजी से पकड़ेगा कोई, ठीक है। पहली बात तो ये कि आपको कोई पकड़ेगा उसे ये नहीं पता होगा कि आप क्या करेंगे उसके साथ, ठीक है। वो पकड़ेगा, ठीक है, तो जिस साइड अंगूठा होता है हाथ को टर्न करेंगे और ऊपर की तरफ से खींच लेंगे, अंगूठे की तरफ से निकालना। और हमेशा आप लोग कभी कुछ भी आपके साथ होता है तो रिलैक्स रहिए, पहले आप आराम से कर सकती हैं, अंगूठे के साइड ही हमको छुड़ाना, देखिए सिंपल। देखिए अगर आपका कोई गर्दन ऐसे होल्ड करके दीवार के पास चिपका दिया, मेरी बात समझ रहे ना, मान लीजिए यहाँ दीवार है और आप इसको ऐसे करते हुए लेके गए पीछे, तो ये कैसे अपने को छुड़ाना है, कौन सा ऐसा पॉइंट है दबाने पे वो तुरंत छोड़ देगा। अभी आप खुद ट्राई करिएगा, देखिए ये दोनों अंगूठों के बीच में जो यहाँ पे होते हैं हम लोगों, ये तो अंगूठा है ना हमारा, के बीच में पुश करेंगे तो बहुत ज्यादा पेन। अभी आप ट्राई करिए, खुद से ट्राई करिए, प्रेशर करिए और अभी आपको दिखेगा ये तुरंत छोड़ देगा, बहुत पेनफुल हो रहा है। आप लोग अभी एक बार ट्राई कर सकते हैं कि ये अंगूठे के जस्ट बीच में यहाँ अगर आप प्रेस करेंगे, हो रहा है आपको, आपको हो रहा है या नहीं, हो रहा है ना, ये एडवांस टेक्निक है, लेकिन अभी छुड़ाने वाला पेट में सकते हैं, पेट में मार सकते हैं, कहीं भी इसे यूज कर सकते हैं। और ये पेन हो चाहे घर में पति देव हो, आज मुझे लगा महिला दिवस है तो ये ना लगे कि अधिकारी है तो हमें नहीं करना चाहिए, तो अभी अभी प्रैक्टिस किया है और दो टेक्निक्स मैं दिखाऊंगी और इसके बाद दो लड़कियों को बोलूंगी आगे इसी टेक्निक को दोहराएं। शहर की लेडी ऑफिसर के साथ आप आगे पार्टिसिपेट कर सकती हैं, जो वाले भी है पीछे से पकड़ ले, ठीक है, उसमें पहले तो डरना नहीं है, अगर आप अंदर से टूट जाएंगे तो आप कर नहीं पाओगे, तो पहले अपनी सारी एनर्जी अपने अंदर लानी है और सोचना है क्या करना है इसमें, पहले तो ये ताकि आपका गला ना दबे, तो हाथ यहाँ डाल लिया, इसके बाद गला नहीं दबेगा, फिर इसके बाद जो स्ट्रेंथ है पूरी की पूरी स्ट्रेंथ इसको पीछे मारने में और इसको आगे खींचने में लाएंगे, और ये वाला जो पैर है आपका जो इसकी तरफ है उसको और पीछे लेते जाएंगे, ठीक है, तो ऐसे इससे क्या होगा, जब ये पीछे होगी एक तो इसको हिट होगा और दूसरा आपके कब्जे में ये पहले आ गई है, तो जब कब्जे में है इसको और जोर से खींचेंगे, एक हिट आगे खींचेंगे ऊपर आ जाएगा, तो अगर कोई भी व्यक्ति है इतना आप साहस दिखा देंगे वो सोचेंगे नहीं कि आप रिस्पॉन्ड भी करोगे, ठीक, पकड़ा। मिनट की प्रैक्टिस, ठीक है, और लाजवाब डेमोंस्ट्रेशन, ठीक है, तो जब किसी को गिरा दिया तो उसका साहस टूट गया, ये आपके मनोबल की बात है, शारीरिक क्षमताओं के साथ कोई आपको किक मार रहा है तो सबसे पहली बात है उस टांग से बचा जाए और उसे होल्ड कर लिया जाए, ठीक है, ठीक है, ये आ गए कंट्रोल में, इसको जोर से पकड़ लें, ठीक है, फिर क्या है मारेंगे, आप लोगों को मालूम है कि किसी का भी पेट इतना मजबूत नहीं होता है कि एक पंच को वो बर्दाश्त कर सके। फिर से क्या 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 सेल्फ डिफेंस में मारो।
छोटी सी रोटी भी खानी पड़ेगी। ये पूरी टीम है जो हमें डेमोंस्ट्रेशन देगी। ये दूसरी तकनीक हमारे कुमार पोषण का, हमारे यूपीपी की, और जितना ये चपटा पोषण है इससे मारना। और आज समाज में बदलाव आ रहा है। इट इज 8th मार्च इंटरनेशनल वुमेन्स डे एंड वी आर गैदर्ड हियर टू सेलिब्रेट दिस डे। टुडे इज द डे ऑफ वुमेन्स एंड बीइंग अ गर्ल आई एम वेरी प्राउड टू शेयर माय थॉट्स। ऑन दिस डे ह्यूज सेंटीमेंट्स आर एक्सपीरियंस्ड अबाउट द पावर ऑफ वुमेन एंड मेनी प्रोवर्ब्स एंड पोएम डायरेक्टेड टुवर्ड्स वुमेन। It is really nice to have a special day for women where they are glorified to a point of being honored, awarded and appreciated. Then why is that after so much awareness and acknowledgement of a woman's contribution to life, society, family and work, saluting her strength, resilience, sacrifice, she still is considered only second to men and treated like a second-rate citizen. Women empowerment lies in honoring yourself and treating yourself with respect. तो चारों निगम फिर यहाँ पर आपको वॉलंटियर ग्रुप में बुलाया जा रहा था। करीब 90% जो यहाँ बैठे हुए हैं उनमें हेजिटेशन था कि जाऊँ या नहीं जाऊँ, सही है गलत है। 10% जो बाद में इंडिकेट हो गया चलो भाई आपको आना है वो भी आ गए हैं। उनमें 5% ने चलो अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया होगा उनके कॉन्फिडेंस अच्छे हो गए। 5% वो है जिनसे अधूरा हुआ या प्रैक्टिस की कमी थी। अब वो इस बात की चिंता कर रहे हो कि यार मैं तो स्टेज पे आया लेकिन अच्छे से नहीं हो पाया, सही है कि गलत है। तो ये पूरे बात बताने का अर्थ ये है कि क्यों हम सेल्फ डिफेंस नहीं कर पाते हैं और क्यों हमारे साथ कोई घटना हो जाती है। सबसे पहले ये मान के चलिए आप जितने अच्छे हैं कोई जरूरी नहीं है कि सामने वाला भी उतना अच्छा हो, ये जरूरी है। और मैं अक्सर देखता हूँ कि दिक्कत ये आती है, ऐसा नहीं है कि सामने वाला आपसे क्या सुपरमैन होगा, 20% आपसे बलवान होगा, 30%, 40%, अधिक से अधिक 50%। बाली वाला कॉन्सेप्ट होगा कि सामने वाले की शक्ति दुगुनी हो जाती होगी, सही है कि गलत है। तो क्या हम अपने आधे शक्ति से प्रतिरोध लेकर पढ़ सकते हैं? क्यों नहीं करते हैं? किसने रोका है? बताया किसने? क्या घर पे कि कैसे आप लोग क्यों नहीं करते हैं? ये इसलिए नहीं करते हैं कि आपके अंदर संकोच है, आपको पता ही नहीं कि आप ऐसा कर भी सकते हैं। सबसे ज्यादा जैसे अभी बताया कि गले को पकड़ लेना, हाथ पकड़ लेना या बैग खींच लेना, इससे भी बड़ी सामान्य घटना क्या होती है कोई बता सकता है? सबसे ज्यादा सामान्य घटना किसी लड़की के साथ क्या होती है? अब यहां ऐसा कोई नहीं है कि इसको पता ना हो। चलिए मैं आपके बिहाफ में बोल देता हूँ, छीटा घसी, टोंटिंग बाजी, ईव टीजिंग, आप जा रहे हो आपको पता भी नहीं हो चलता है किसने आपके बारे में कुछ कह दिया। इंडिविजुअल नेम लेके नहीं कहता है लेकिन आपको इतना तो पता होता है कि आप लड़की हो, आप ही भी छीटा घसी हो रही है। आप लोग क्या करते हो? संकोच से निकल जाते हो। अगर 1 मिनट भी हम रुक के पूछ ले घूम के क्या बोला तो उसकी आधी शक्ति वहीं खत्म हो जाएगी। और कम से कम जब डिफेंस कर सकते हो, कोई माध्यम ऐसा ही नहीं है कि हम ऐसे पंच नाक में जाना चाहिए, पंच उठना चाहिए। जब ये चीज साहस आपके अंदर आ जाएगा तो निश्चित तौर पे रखिए संकोच मत कीजिए। और ये मान के चलिए कि आपके साथ भी कभी कोई घटना हो सकती है, किसी के साथ भी कभी घटना हो सकती है, लेकिन आप घटना का प्रतिरोध करने के लिए तैयार हैं। क्या समझते हैं इस पे विचार जो है भिन्न भिन्न है? कुछ लोग ये सोचते हैं कि
महिलाएं अगर सेल्फ डिफेंस सीख जाएंगे तो एम्पावर्ड हो जाएंगे। कुछ लोग ये सोचते हैं कि अगर शिक्षित हो जाएंगे तो सशक्त हो जाएंगे, कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर उनको अन्य अधिकार, कानूनी अधिकार, विशेष अधिनियम, विशेष कानून उनके लिए बनाया जाए तो सशक्त हो। क्या आप लोगों को लगता है कि इनमें से कोई एक व्यक्ति, एक कोई सही है या बाकी गलत है, या कुछ लोग सही है कोई कुछ गलत है, या सारे लोग सही है, सारे विचार सही है? आप लोग क्या महसूस करते हैं, कोई बताएगा? इतने ब्राइट स्टूडेंट सब दिख रहे हैं यहाँ पर, एनीबॉडी कैन से, आप बताएं आपका क्या विचार है? कोई है, क्या बोलते हैं, कॉर्डलेस माइक है? आपने इसको ये बताया कि जो भेदभाव लिंग के आधार पे होता है वो बंद होना चाहिए, जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए, जेंडर गैप रिड्यूस होना चाहिए, यही तो बताया आपने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मेरे हिसाब से नारी सशक्तिकरण, अगर हम रात के 12 बजे भी घर से निकले सुरक्षा, तो हमें सुरक्षा रहे, चलिए ठीक है, कोई डर ना रहे, सुरक्षा। और कोई? सोच में परिवर्तन, सोच, मानसिकता, मानसिकता कहेंगे कि सोच, मतलब विचारधारा, मानसिकता ही तो कहेंगे। अच्छा ठीक है, हाँ। उसको छीन लीजिए बस। कितने लोग इनको जानते हैं? जो पगडंडिया आपके लिए समाज ने बना दिया है केवल उस पर मत चलिए, उससे डिगर हट के अपने जो सपनों को अंजाम दीजिए। हाँ। गोरखपुर प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने गुरुवार को गोरखपुर के एक स्थानीय होटल में बीजेपी के पक्ष में प्रेस वार्ता कर बीजेपी को विकास करने वाली पार्टी बताकर भारी मतों से जीत दिलाने की बात कही। उन्होंने कहा कि सपा और बसपा का समझौता बदबूदार समझौता है, यह एक दूसरे को निगल लेंगे और उगलने पर एक दूसरे के दुश्मन बन बैठेंगे। उनके किसी भी समझौते से बीजेपी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अपने जिला अध्यक्ष जी से बात कर रहा था कि भाई जो समझौता हुआ है तो क्या है, अध्यक्ष जी ने बताया समझौते का गोरखपुर की जनता पर कोई भी प्रभाव नहीं है, जनता विकास के नाम पर वोट दे रही है। गोरखपुर का विकास योगी राज में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, गोरखपुर में प्रदेश का तो बता रहा ही रहा, गोरखपुर प्रॉपर गोरखपुर का विकास एक साल में उतना विकास हो गया है जो पिछले कई वर्षों में नहीं हुआ है। तो अब जैसे यहाँ एम्स का निर्माण होना, फर्टिलाइजर कारखाना लगना, पर्यटन और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देना, चीनी मिल लगवाना, इसमें चीनी मिल के साथ साथ और भी उसमें उससे जुड़े हुए जो उद्योग हैं वो भी लग जाना, आईटीआई खुल जाना, यानी कौशल विकास को भी प्राथमिकता देना, उधर ये गोरखपुर में गरीबों के आवास बनवा देना और सिंचाई विभाग के माध्यम से खेतों तक पानी पहुंचाने का प्रबंध करना। गोरखपुर लोकसभा को हमने 50 राजकीय नलकूप दिए हैं जिनमें से 20 लग गए हैं और 30 अभी लगना प्रारंभ हो गए हैं। तो इस तरीके से बहुत बड़ी सुविधाएं, ये गोरखपुर में लोकसभा का चुनाव विकास के नाम पर लड़ा जा रहा है और ये समझौता हुआ तो मेरा मानना माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा था उस बात को बल प्रदान करते हुए, ये सच में समझौता बहुत बदबूदार समझौता है। बदबूदार समझौता इसलिए माननीय योगी जी ने सांप छिछुंदर का उदाहरण दिया था, सांप छिछुंदर का इसलिए, ये भारतीय जनता पार्टी की बाढ़ देकर आज दुनिया में, देश में नहीं दुनिया में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा राजनीतिक दल हो गया है। अभी जो पूर्वी प्रदेशों में, पूरे देशों में चुनाव हुए हैं वहाँ भी जहाँ भाजपा नहीं थी भाजपा की सरकार बनी है, तो भाजपा की बाढ़ देखकर ये घबरा गए हैं। एक नाव पर जो कभी नहीं बैठ पाते थे सांप और छिछुंदर इकट्ठे हो गए हैं। यदि
इन्होंने समझौता कर लिया, यानी सांप छछूंदर को यदि निगल लेता है तो वो ना उगल पाता है ना निगल पाता है, उगल देगा तो छछूंदर उसकी आंखें फोड़ देगी और निगल लेगा तो स्वयं उसकी मृत्यु हो जाएगी। तब ये दोनों मिलकर सड़ जाएंगे। ये समझौता बदबूदार समझौता है जिससे जनता बिल्कुल उकता जाएगी और जनता समझ भी गई है। तो गोरखपुर में ये जो उदाहरण डरकर इन्होंने समझौता किया है, ये समझौता निश्चित रूप से बदबूदार समझौता है जिससे बहुत जल्दी दुर्गंध आने लगी। संसदीय क्षेत्र के उपनिर्वाचन में अधिकाधिक मतदान के लिए स्वीप के अंतर्गत गोरखपुर विश्वविद्यालय के क्रीड़ा परिषद के समक्ष रंगोली बनाई गई, जिसका जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव रौतेला ने अवलोकन किया और वहां उपस्थित लोगों से 11 मार्च रविवार को अधिकाधिक मतदान करने की अपील भी की। गोरखपुर न्यूज से एक विशेष बातचीत के दौरान जिलाधिकारी राजीव रौतेला ने कहा कि विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं जो मतदाता बन गए हैं वो 11 मार्च को मतदान अवश्य करें, इस दिन रविवार है और अवकाश रहेगा, साथ ही अपने घर और आसपास के लोगों को भी मतदान करने को कहें। इस संदर्भ में उन्होंने कहा, पहले जमाते नेता पैरों जनपद में जो हमारी 64 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी गोरखपुर है, इसका निर्वाचन प्रक्रियाओं का पूरा इस समय स्वरूप चल रहा है और 3 दिन बाद यानी 11 मार्च को मतदान का दिवस है। हमारे इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी क्षेत्र में लगभग 19.5 लाख मतदाता हैं और हम सभी से आह्वान कर रहे हैं और निरंतर जब से चुनाव की घोषणा हुई है विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से स्वीप के अंतर्गत हम लोगों ने पूरे ज़िले में एक ये संदेश दिया है कि ये एक लोकतंत्र का पर्व है और उसमें मतदाता को बढ़ चढ़ कर मतदान के दिन अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। उसी श्रृंखला में हमने कुछ बड़े प्रोग्राम भी किए, जैसे रामगढ़ ताल में हम लोगों ने नौकायन का प्रोग्राम किया जिसमें हमारे जितने भी वोटर्स हैं पूरे ज़िले में उनके प्रतिनिधियों को बुलाया हमने और उन्होंने इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करके एक संदेश दिया कि वो सभी मतदान के लिए तत्पर और तैयार हैं। इसी प्रकार हम लोगों ने फिर 6 तारीख को पूरे ज़िले से बच्चों को बुला के एक बहुत बड़ी संख्या में रन फॉर वोट भी कराया। इन प्रोग्राम्स का उद्देश्य यही है कि हमारा मतदाता मतदान के दिन निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। आज हम लोग यहाँ पर यूनिवर्सिटी के कैंपस में खड़े हैं और हमारा ये क्रीड़ा परिषद का भवन है, इसके सामने जो हमारे रंगोली बनाते हैं हमारे प्राइमरी स्कूल की जो टीचर्स हैं और उनकी जो सहयोगी हैं उन लोगों ने ये बड़ी सुंदर रंगोली का यहाँ पर प्रस्तुतिकरण किया है जिसमें ये संदेश दिया है कि वोट करना चाहिए। तो इसमें आज सुबह से लेकर और अभी शाम तक ये रंगोली बनी रहेगी। बहुत बड़ी संख्या में बच्चे आ रहे हैं, वोटर्स आ रहे हैं, वो सब इसको देख के उत्प्रेरित हो रहे हैं। जो वर्तमान वोटर हैं वो इससे प्रेरित होकर अपना वोट डालेंगे, जो आने वाले समय में वोटर बनेंगे उनको भी प्रेरणा मिल रही है कि ये सब क्या है और इसकी क्या महत्ता है और इसमें हमको पार्टिसिपेट करना चाहिए, भाग लेना चाहिए। गुरुवार को चुनाव प्रचार में गोरखपुर पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आयुष यदुवंशी ने गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कहा कि केंद्र में मोदी और राज्य में योगी के द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों से देश की जनता गदगद है। उन्होंने कहा कि आज देश की जनता की पहली पसंद भाजपा है, वहीं पार्टी भी लोगों के विश्वास पर खरे उतरने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि गोरखपुर और फूलपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी
विरोधियों को पछाड़ते हुए बहुमत हासिल करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की बहुत बार रही है, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी 5 बार यहाँ से सांसद रहे हैं और विपक्षी दल कभी भी यहाँ पैर जमा नहीं पाए और गोरखपुर की जनता इतना प्यार करती है माननीय मुख्यमंत्री जी को कि यहाँ पर कोई विपक्षी दल अपनी जमानत तक बचा पाने में जल्दी सक्षम नहीं रहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार जब से बनी तब से आप लोगों ने देखा होगा कि पूर्वांचल एक्सप्रेस है, एम्स है और चीनी मिल हो गई पिपराइच वाली हम लोगों ने, और फर्टिलाइज़र को फिर से शुरू किया। इस तरह तमाम विकास के मानदंडों को स्थापित कर रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी इस समय प्रदेश में जो जन कल्याणकारी नीतियाँ ला रहे हैं उनके कारण से और जो उनका एक सख्त प्रशासन, सफल प्रशासन है जिसके कारण अपराधी उत्तर प्रदेश से भाग रहे हैं लगातार, इन सब चीज़ों को ध्यान में देते हुए वो प्रशासन के और एक संकल्पवान राजनेता के रोल मॉडल भी बने हैं। कई प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी ने उनको स्टार प्रचारक के रूप में भेजा और गोरखपुर को प्रदेश में ही नहीं देश में नहीं एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा मिली हुई है। गोरखपुर की जो आध्यात्मिक पीठ है हम लोग यहाँ की वो भी उसके कारण भी, और जो उपेंद्र शुक्ल जी हैं ये भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता जानते हैं कि जो कार्यकर्ता का एक आदर्श रूप होता है वो उपेंद्र शुक्ल जी में है। वो यहाँ जिला अध्यक्ष रहे, अभी क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, अपने जीवन का 24/7 उन्होंने पार्टी को दिया है, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल की जनता को उन्होंने दिया है, गोरखपुर की जनता के लिए हमेशा वो खड़े रहते हैं। वो एक आदर्श कैंडिडेट हैं और उत्तर प्रदेश की जनता जो है माननीय योगी जी को बहुत प्रेम करती, गोरखपुर की जनता जो है वो उपेंद्र जी को भारी मतों से चुनाव जिता करके भेजी। अभी कल पूर्व मुख्यमंत्री जी का एक यहाँ पर रैली थी जैसा आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें 14-15 जिलों और कई सारी पार्टियों के लोग बुलाए गए थे। उसमें उन्होंने कहा कि भाई अब हम लोगों ने सामाजिक समीकरण पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। उन्होंने वहाँ पर जिनका वो लोग मसीहा बनने की बात करते हैं उनकी भी बात की। मैं बस ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि देखिए यादों के लिए, अगर यादों की बात करें तो यादों के लिए इस प्रदेश में करीब 5 करोड़ से ऊपर यादों हैं और ये समाजवादी पार्टी के करीब 5,000 के आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिसमें समाजवादी पार्टी के एजेंट हैं, कुछ ठेकेदार हैं, कुछ दलाल लोग हैं, कुछ माफिया हैं। ये ऐसा एक गैंग है जो उनकी सत्ता से लाभ उठाता है और वो यादों का मसीहा बनने का दावा करता है। मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जो बल्टा लेकर के, जिसके पास 2 बीघा खेत है और 1 भैंस है, वो यादव जो बल्टा लेकर के दूध दूहता था उसके जीवन में क्या बेहतरी आई है इनके आने से? और जो जिसके पास 1 बीघा जमीन थी वो अपनी वो जमीन बेच करके, आपको याद होगा समाजवादी पार्टी की सरकार थी, पुलिस में भर्ती हुई थी, आप मीडिया के मित्रों ने तमाम खबरें निकाली थी कि उसमें पैसा लिया गया है, घूसखोरी हुई है, और बहन जी जब आई वापस तो उन्होंने उन भर्तियों को कैंसिल कर दिया। आप सब मीडिया के मित्र ही जानते हैं सब चीज़ें कि उसमें 30-35% से ज़्यादा यादव थे। आप भी, आप यादव गांव में जाएंगे सुबह लड़के 4 बजे दौड़ना शुरू कर देते हैं पुलिस में भर्ती, उनमें 13,000 जो भर्तियां 14,000 कैंसिल हुई थी उनमें 40% यादव थे, जिनमें जिनकी शादी हो रही थी वो टूट गई, कई लोगों ने आत्महत्या कर लिया और ये सब जो आपने देखा होगा मुख्तार अंसारी मऊ में जब दंगा हुआ था उसमें कितने लोग मारे गए थे, ये लोग कहने को बनते हैं लेकिन ये जो 4.5 करोड़ बाकी का जो यादव है वो इनसे सवाल पूछता है, इनसे जानना चाहता है कि आखिर ये जो खाली, और अगर इनको नेता चाहिए होता है तो मुलायम सिंह जी पहले नेता थे, उसके बाद उनके मित्र जिलों जिलों में नेता थे, अब उनको प्रदेश में नेतृत्व चाहिए तो उनके पुत्र हैं, दूसरा प्रदेश में नेतृत्व चाहिए, तीसरा चाहिए, चौथा चाहिए, पचवा चाहिए, 57 नेतृत्व अगर चाहिए तो अकेले सैफ ही में है, कहीं से उनको और यादव नेतृत्व की जरूरत नहीं है। दूसरी बात क्या है कि उनके मित्र लोग जिलों जिलों में थे, आप उठा के देख लीजिए, संत कबीर नगर देख लीजिए, आजमगढ़ देख लीजिए, तो जो उनके मित्र हैं उनके बच्चे अब वहाँ राजनीति कर रहे हैं, लेकिन आम जो यादव है उसका लड़का ना उसका कोई प्रतिनिधित्व है, ना उसका कहीं कोई सम्मान है, ना उसकी कहीं कोई बात है। और ये लोग क्या सामाजिक समीकरण की बात करेंगे, और जो है अभी कल बोल करके वो पूरे टाइम इसी पे बोलते रहे कि नहीं अब हमने विकास छोड़ दिया है, विकास जब आप थे तब भी आपने सब कॉस्मेटिक प्रोजेक्ट किए थे,
तीन सालों तक आपकी सरकार पैरालाइज रही पूरी तरह से, एक भी काम में आप निर्णय नहीं ले पाते थे। उसके बाद आप लोग बोलते थे कभी कोई चाचा जी, फलाने चाचा जी चला रहे, ढिकाने चाचा जी चला रहे, से 4.5 मुख्यमंत्री रहते थे। बाद में जब आपने कुछ ब्यूरोक्रेट्स वगैरह को लाया तो फटाफट आपने गोमती रिवर फंड, आप वहाँ खड़े होकर के एक चुल्लू पानी गोमती का कोई नहीं पी सकता है, वहाँ 3,000 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। ऐसे जितने प्रोजेक्ट आप देखेंगे सब कॉस्मेटिक, उसकी जाँच भी अब चल रही है। इतने ही आप गोरखपुर में आके कह रहे थे तो आज तक एक चुनाव गोरखपुर से क्यों नहीं जीत पाई समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। तो क्या है अब ये सब केवल इनका एक राजनीतिक सबूता है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से ये लोकसभा का चुनाव और फूलपुर लोकसभा का चुनाव जीतेगी और 19 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीटें लोकसभा की जीतेगी और भारतीय जनता युवा मोर्चा एक नई तरह, अभी 26 को ही आप मीडिया के मित्र भी थे और मैंने अपना पदभार ग्रहण किया है, पूरे प्रदेश में युवा मोर्चा अपने पार्टी के साथ लगातार सहयोग करते हुए संघर्ष करते हुए हम लोग 80 की 80 सीटें लोकसभा की जिताएंगे। अभी जो 4-5 सीट 6 सीट लोग घर में हैं वो सीटें भी इस बार ख़त्म हो जाएंगी और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी सीट जीतेगी। देखिए क्या है कि योगी जी शेर हैं, जब वो दहाड़ते हैं तो सदन की बात नहीं है पूरी दुनिया देखती है। अखिलेश यादव से किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर वो माननीय मुख्यमंत्री जी के लड़के नहीं होते तो क्या होते वो, बताइए जरा, वो एग्जाम देके देखें जरा क्या होते वो। योगी जी पे कटाक्ष करने से पहले जरा ये इसका जवाब दे दें कि अगर मुख्यमंत्री नहीं लड़के होते तो क्या होते वो। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, कुछ तोहफे हम कभी नहीं भूलते, जैसे घर आई नन्ही खुशी के लिए दादा दादी का दुलार, दिवाली पर मिठाई के डब्बे में छुपा मम्मी के लिए पापा का प्यार, वो दिल से पूछा गया एक सवाल और उसके जवाब की तैयारी में शुभ आरंभ का आशीर्वाद। ऐश प्रा 76 सालों से परंपरा विश्वास की। ब्रेक के बाद आपका फिर से इस बुलेटिन में स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अशोक सिंह ने गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एक पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि भाजपा की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। केंद्र और प्रदेश की सरकारें जनता को सिर्फ गुमराह कर रही हैं। अपनी बातों को कहते हुए अशोक सिंह ने कहा, हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी जो खड़े हैं उनके पक्ष में एक कांग्रेस को जिताना क्यों है, जिताना है कि मौजूदा हालात में पिछले 4 सालों में जो हुकूमत बनी है उसने मजदूरों के लिए कुछ नहीं किया, किसानों के लिए कुछ नहीं किया, नौजवानों के लिए नहीं किया, जो वादा किया था सबका साथ सबका विकास, मजदूर करोड़ों मजदूर बेरोजगार हो गए देश में, 2 करोड़ से ज़्यादा 3,000 मजदूर रोजाना नौजवान रोजाना बेरोजगारी की लाइन में खड़े हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, अपनी फसल में जो पूंजी लगाते हैं उसका आधा पा रहे हैं। तो इन न सबका साथ है न सबका विकास है ऐसी स्थिति, और देश सबसे ज़्यादा बड़ी बात है देश की आज़ादी जो कुछ देर के लिए मिलाई वो आज़ादी खतरे में पड़ी। मैं इंडियन नेशनल डिफेंस वर्कर फेडरेशन का प्रेसिडेंट भी हूँ, कल हमारी मीटिंग है डिफेंस सेक्रेटरी से, 15 मार्च को स्ट्राइक है पूरे देश में डिफेंस का। अब डिफेंस सेक्टर में जो विदेशी आ रहे हैं उनको हम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जगह दे रहे हैं, देश की सुरक्षा का पूरा राज, पूरा क्या हम बनाते हैं, कितना बड़ा टैंक बनाते हैं, कितनी गोली बनाते हैं, कितना बारूद बनाते हैं, कितनी क्या ताकत है हमारी, वो सब चली जाएगी। तो देश की आज़ादी खतरे में है, देश खतरे में है, इसलिए इसको बचाना अगर है तिरंगे को में कांग्रेस को जरूर लाना है। सर आपको लगता है कि कहीं विरोध के स्वर कम हो गए हैं, धीमे हो गए हैं?
आपके प्रेशर ग्रुप आपके नहीं, विरोध के स्वर नहीं कम होते। देखिए स्वर जो दबाता है ना, दबाने तो स्वर नहीं दबते, उस समय के लिए दब जाता है, लेकिन जब जनता देखेगी, लोग देखेंगे कि देश में क्या हो रहा है, सीमाएं सुरक्षित नहीं है, देश सुरक्षित नहीं है, खेत सुरक्षित नहीं है, कारखाने जितने पब्लिक सेक्टर थे नीति आयोग ने बना दिया 500 बेचे जा रहे हैं, तो जब बिक जाएगा सब तो फिर किस कैसे आप क्या 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 कहेंगे, वो सबके सामने आ जाएगा। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, चार साल में क्या किया, चार साल में गोरखपुर में फर्टिलाइजर कारखाना ही तो है, 2016 में आगे कहा था हम इसको शुरुआत करेंगे, 2018 में हम जा रहे हैं, कुछ शुरुआत हुई। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, गोरखपुर के हैं, गोरखपुर में फर्टिलाइजर कारखाना कांग्रेस ने चलाया था, फिर बंद हुआ, और मोदी जी ने खुद कहा 2016 में इसको हम चालू कराएंगे, चालू नहीं हुआ। गोरखपुर न्यूज से एक विशेष बातचीत के दौरान बांसगांव से विधायक डॉक्टर विमलेश पासवान ने अपने सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश विकास कर रहा है। एक सवाल के जवाब में विमलेश पासवान ने कहा कि जल्द ही फर्टिलाइजर का काम शुरू हो जाएगा। इस संदर्भ में आगे जानकारी देते हुए उन्होंने बताया, पत्रकार वार्ता कर रहे हैं, क्या मामला है, क्या बात है? ठीक है, पत्रकार वार्ता आगामी लोकसभा का जो उपचुनाव है 11 मार्च को, उसी के संदर्भ में एक अपील है गोरखपुर की भाग्य विधाता जनता जनार्दन से, प्लस हमारे सरकार का लगभग एक साल पूरा हो जाएगा इस माह में हमारे सरकार की उपलब्धियां, और किन बिंदुओं को हम जनता से अपने बीच आपके बीच जा रहे हैं, हम लोग इन बातों को प्रमुखता से रखूँगा। क्या करके हम लोगों ने जनता से, जनता के बीच में आकर के सरकार बनाने के लिए वोट मांगा था, वो लगभग हर वर्ग हर समाज में दिख रहा है, जनता स्वयं महसूस कर रही है। आपने देखा होगा कि भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी और ये सब सारी जो दिक्कतें थी उत्तर प्रदेश में पिछले दो दशकों से, लगभग समाप्त होने के कगार पर पहुँच गए, और लोग जो है बिना भय के अपना कार्य कर रहे हैं, एक स्वच्छ वातावरण हम लोग देने का कार्य कर रहे हैं। गोरखपुर की जनता जो है वो फर्टिलाइजर का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही है। जी जी जी, देखिए फर्टिलाइजर और एम्स जो महत्वाकांक्षी मांग थी, तो दोनों ही परम पूज्य महाराज जी के दोबारा सांसद बनने के साथ ही, मतलब कि जो 2014 में आशीष प्रधानमंत्री जी ने कमान संभाला, उन्होंने दे दिया और उसका शिलान्यास भी कर दिया, और जो कंसर्न एजेंसी है उसको कार्य भी मिली, तो प्रक्रिया है और कार्य हो रहा है, क्योंकि टोटल जो है न्यू प्लांट बैठेगा और उसमें वॉल्ड है वो चीज़ों का जो है आना शुरू हो गया है, कार्य तेज़ी से हो रहा है। गोरखपुर संसदीय क्षेत्र के उपचुनाव के लिए 10 मार्च को पोलिंग पार्टियों की रवानगी विश्वविद्यालय परिसर से होगी, और 14 मार्च को प्रातः 8 बजे से मतगणना का काम भी विश्वविद्यालय परिसर में ही किया जाएगा, जिसको लेकर जिलाधिकारी ने अधिकारियों के साथ सभी स्थलों का निरीक्षण किया और समय से कार्य को पूरा करने के निर्देश भी दिए। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए रिटर्निंग ऑफिसर राजीव रौतेला ने बताया कि विश्वविद्यालय के बैडमिंटन हॉल में कंपियरगंज, वाणिज्य भवन में पिपराइच, परीक्षा मूल्यांकन केंद्र में सहजनवा, दीक्षा भवन में गोरखपुर ग्रामीण और कला संकाय में गोरखपुर शहर की पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी, साथ ही मतदान के बाद मतों की गणना भी उसी स्थल पर की जाएगी। उन्होंने बताया कि इसके लिए पर्याप्त काउंटर और कर्मचारी तैनात किए गए हैं। उन्होंने बताया कि सभी मतदान पार्टियों को बस के द्वारा बूथ पर भेजा जाएगा, सभी बसें क्रीड़ा संकुल में विधानसभावार खड़ी की जाएंगी। उन्होंने इस संबंध में आगे जानकारी देते हुए कहा, वहाँ तो चले गए, कितने हो गए, 42 हो जाएंगे, 5 और 10 तारीख को
प्रॉब्लम तो दी है इसके अलावा आपको जो ये सब मिला के करिए 107 तारीख को हमारे सारे दल सारी पोलिंग पार्टीज हमारे यहाँ 2141 कुल हमारे यहाँ पोलिंग बूथ्स हैं, तो इतनी ही नंबर में पार्टीज और कुछ हमारे रिजर्व कार्मिक ये सब प्रस्थान करेंगे अपने अपने पोलिंग सेंटर्स के लिए। और इसके लिए हमने यहाँ पर यूनिवर्सिटी के इस पूरे कैंपस को उपयोगित किया है, जो हमारे इस तरफ में बैडमिंटन हॉल है समाध भवन के सामने, वहाँ से हमारी जो कैंपियरगंज विधानसभा है उसका डिस्पैच होगा, वहीं उसका रिसीविंग होगा, वहीं उसका स्ट्रांग रूम बनेगा और वहीं पर उसकी 14 तारीख को काउंटिंग होगी। ऐसे ही जो हमारा ये वाणिज्य संकाय है भवन है, इसमें हम लोग का पेपराइज का डिस्पैच रिसेप्शन इत्यादि होगा। और उसके बाद जो हमारा एग्ज़ाम्स की जो बिल्डिंग है
उसमें हमारा सहजनवा इसका प्रस्थान और आगमन होगा। आगे जो दीक्षा भवन का परिसर है वहाँ पर गोरखपुर ग्रामीण जो हमारी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो उसका स्थान रहेगा और कला संकाय में गोरखपुर शहर का रहेगा। वो पूरी व्यवस्था हमने देख ली है और सभी काम समय से चल रहा है और कल अपराह्न तक सभी व्यवस्थाएं परिपूर्ण हो जाएंगी और 10 तारीख की सुबह जब हमारे मतदान कार्मिक यहाँ पर आएंगे तो सुविधापूर्वक वो अपना यहाँ पर कार्य करेंगे। और उसके बाद ये जो ग्राउंड सामने दिख रहा है ये हमारा बसेस का पार्किंग स्थल है। यहाँ पर हमने इसको 5 भागों में बांट दिया है। 500 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए हमारे अलग अलग बसें खड़ी हैं, करीब 500 बसें जा रही हैं, तो एक में अमूमन 100 बसें रहेंगी और ये जैसे जैसे पार्टीज पूरी होती जाएंगी बसों के हिसाब से वो जाएंगी और अपना बसों में बैठ के प्रस्थान करेंगी अपने गंतव्य के लिए यानी अपने पोलिंग स्टेशन के लिए और मतदान करा के 11 को लौटेंगी और लौटने के बाद पूरी व्यवस्था यहाँ पर है उनका इलेक्शन मटेरियल को रिसीव करने की और एक प्रक्रिया वो समाप्त हो जाएगी। उसके बाद 12-13 में हम लोग काउंटिंग का रिहर्सल कराएंगे और 14 को काउंटिंग करा के निर्वाचन परिणाम की घोषणा करेंगे। गोरखपुर विश्वविद्यालय और इससे संबद्ध महाविद्यालयों की वार्षिक परीक्षा को लेकर सभी केंद्र अध्यक्षों की बैठक गुरुवार को विश्वविद्यालय के संवाद भवन में आयोजित की गई। इस अवसर पर गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर वीके सिंह, परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र सिंह, अकाउंट ऑफिसर पीएन सिंह, प्रोफेसर सुधीर श्रीवास्तव सहित कई शिक्षक एवं केंद्राध्यक्ष मौजूद रहे। बैठक के दौरान परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र सिंह ने आगामी दिनों महाविद्यालयों में आयोजित होने वाले वार्षिक परीक्षा के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। चुनाव के परिणाम के दूसरे दिन प्रकाशित कर दिया ये घोषित करने के पीछे आपके प्रति हम लोग का विश्वास है, आपके सहयोग की अपेक्षा है और मुझे उम्मीद है विश्वास ये है कि आपका पहले की तरफ सहयोग मिलता रहेगा। जहाँ तक इस केंद्राध्यक्ष की बैठक की बात है इसमें से 80% लोग बिगड़ गए केंद्राध्यक्ष प्रचार रूप में करवा कर चुके हैं और मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझसे ज्यादा परीक्षा कराने के बारे में जानते हैं। फिर भी जो नामांकन लोग हैं उनके लिए जरूर मैं कुछ दिशा निर्देश देना चाहूंगा और जो लोग अनुभवी लोग हैं उनसे नामांकित लोग भी मार्गदर्शन लेते रहे। मार्गदर्शन कई संदर्भ में होते हैं, विगत अनुभवों के संदर्भ होते हैं और साथ में निश्चित संदर्भ में होते हैं। अगर आपके अनुभव हो तो मैं कुछ आपको मार्गदर्शन देने का अवसर उस पैकेट में स्कीम उपलब्ध कराई गई है उसमें आप देखने के संशोधित स्कीम है। उस संशोधित स्कीम में थोड़ी सी थोड़ा सा ये किया गया है कि गौरव की परीक्षा 1 अप्रैल को रखी गई थी। 1 अप्रैल को रखने का आशय था कि संडे के दिन अप्लाई हो जाता था लेकिन उस दिन ईसाइयों का त्यौहार ईस्टर है, उनकी आपत्तियां बार बार आ रही थी, पिछले बार भी आ रही थी लेकिन हमने नहीं माना था। हमने ये कहा कि आप इंजीनियरिंग की परीक्षा अपन करा सकते हैं तो विस्तारक की परीक्षा कराने का जिम्मेदारी आपकी होगी और मैंने नहीं कहा, लेकिन इस बार ऐसी कोई बात नहीं थी और हमने उनकी भावनाओं का कदर करते हुए कुलपति से अनुरोध किया और कुलपति ने स्वीकार कर लिया। पूर्व में करने के 25 मार्च को रामनवमी का त्यौहार था वहां हो नहीं सकता था, उसके आगे 8 अप्रैल को IIT की परीक्षा थी, उसके आगे मेडिकल की परीक्षाएं थी। मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी भी संडे को अगर स्कूल जाता हूँ तो किसी के किसी की भावनाओं का आनंद होगा और हमारे बच्चे प्रसन्न होंगे। उसको हम लोगों ने लास्ट में 26 अप्रैल को हम लोगों ने रखवा दिया, इसको आप देखेंगे। साथ ही सांख्यिकी की जो है स्कीम, एक बच्चे का सांख्यिकी स्कीम मैं बड़ी साथ गैस कर रहा था तो हमने कहा कि एक बच्चा भी हमारा ही बच्चा है उसको तो कहीं सफर न करना पड़े इसलिए सांख्यिकी परीक्षा 9 छात्र को 12 छात्र में सेट कर दिया। उसके अलावा MGPT कॉलेज में इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के बच्चे केमिस्ट्री साथ ले लिए हैं, यद्यपि नियमानुसार ये उचित नहीं था, उनको नहीं लेना चाहिए था
लेकिन बच्चों का कोई दोष नहीं था, इसलिए माननीय कुलपति ने कहा कि बच्चों का कोई दोष नहीं है, अब इसको शिफ्ट कर दिया जाए। उनकी भी इंडस्ट्री कमेटी प्रथम पक्ष पर, इंडस्ट्री कमेटी सेकंड पक्ष पर, इंडस्ट्री कमेटी सचिव पक्ष की परीक्षाएं 9, 21 और 27 अप्रैल को कर दी गई है। और साथ ही रात गौरव परीक्षा रखने के कारण जो शिफ्टिंग हुई है, उर्दू माध्यम की परीक्षा 27 चार को और अंग्रेजी द्वितीय और तृतीय की परीक्षा 8 और 14 कर दी गई है। ये स्कीम मैंने अभी वेबसाइट अपलोड नहीं करा है, ये स्कीम मैं आपको सुपुर्द कर दिया हूँ और आप शाम को वेबसाइट अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। साथ ही जब भी पेपर जाएगा उसके साथ स्कीम में समस्त नामजद भिजवा दूंगा ताकि वहाँ भी किसी को दिक्कत ना हो। लेकिन आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस स्कीम से कोई बच्चा अगर कन्फ्यूज करता है तो उसको अवगत करा दीजिएगा, मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है। जो प्रमुख बात है ये है कि शासन के निर्देशों के तहत ये परीक्षा सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होगी। निगरानी का आशय यह है कि पेपर खोलने से लेकर पैकिंग तक की रिकॉर्डिंग सीसीटीवी कैमरे में दर्ज हो जाएगी। और आप सभी लोग भी कह रहे मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, इसे बहुत ज्यादा बातें नहीं करनी है, लेकिन सीसीटीवी कैमरे के सामने ही करिएगा, आपके लिए उसी तरह का हमारा है। अभी हमारे पास शिकायतें आई है कि एक कोई सीक्रेट महाविद्यालय है वहां से कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है। मेरा उनसे विनम्र अनुरोध है कि अगर हम एक डेविट दे चुके हैं तो ऐसी गलती न करें, वहां के विधायक आपको लायदा कौन देने लगा है, एफिडेविट दे दिए हो और वहां कैमरा नंबर हो, अगर लगा दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगा दिया तो उसे बिना मेरा बेहतर होगा। तो विनम्र अनुरोध है कि एफिडेविट देने के बाद अपने आप को फंसाया नहीं, लगवा दे। दूसरी चीज यह है कि मैं परीक्षा के बाद शुरू करता हूँ, उत्तर पुस्तिका से परीक्षा शुरू होती है। आप इस बार जो है हमने जो मार्कशीट छपवाई है उसमें बुकलेट सीरीज जो रहती थी हमने 4 टाइम बुकलेट सीरीज करा दिया है, क्वेश्चन वही रहेंगे लेकिन बुकलेट ए बी सी डी 4 तरीके का होगा, तो आप इसको देख लेंगे ताकि कम से कम कुछ बच्चे जो नकल करते हैं वो इससे वंचित रह जाए। और ए बी सी डी है तो उसमें बुकलेट सीरीज जरूर डालवा दें। साथ ही दूसरी चीज यह है कि जो एमआरसी मेरी कॉपी होती है उसके ऊपर जो है बच्चा अपना नंबर लिखता है लेकिन अंकों में कभी गड़बड़ कर देता है और भरने में गलती कर देता है, ठीक है। तो इसको जो भी आपके साथ लगते हैं लेटर उसको आप निर्देशित कर दें, इसको आप चेक कर लें। दूसरी चीज यह है कि जो बच्चा रोल नंबर गलत भर देता है पूरी तरीके से और उसका किसी भी तरीके से इनकम्प्लीट भरा जाता है तो मेरे पास एक ही तरीका होता है कि हमारे पास 3 लाख कॉपियों की स्कैनिंग उपलब्ध है, अभी भी उपलब्ध है। हम उसकी उत्तर पुस्तिका से देखते हैं, उत्तर पुस्तिका क्रमांक से देखते हैं कि किस उत्तर पुस्तिका क्रमांक बच्चा है, उससे हम पकड़ कर उसको क्लियर कराते हैं। कभी कभी दुर्भाग्य की बात है कि उत्तर पुस्तिका के क्रमांक भी गलत लिखे रहते हैं, ऐसी स्थिति में उस बच्चे का भविष्य अंधकारमय हो जाता है, मेरे पास कोई दूसरा तरीका नहीं होता। तो आप देख लें कि अगर बच्चे का रोल नंबर सही हो या उत्तर पुस्तिका भी सही हो तो हम उसको डेट क्लियर करा देते हैं। विगत मैंने एक बात इस मन से कहा था कि कई कॉलेजों के दो दो पेपर एक साथ आए थे, मुझे कहने में कोई ग्रेट नहीं है, फिर मैं कह रहा हूँ इस साल 2 महाविद्यालयों के एक ही बच्चे के 2 पेपर मेरे पास आए हैं, 2 कापियाँ आई हैं। इसका मतलब यह है कि कुछ लोग, मात्र कुछ लोग इस पूरी व्यवस्था को गंदा कर रहे हैं। मैं चाहूँ तो माननीय कुलपति से लेकर पंजाबी अनुमति लेकर तैयार दर्ज करा सकता हूँ, लेकिन मैं उनको पुनः एक बार और छूट और मौका दे रहा हूँ, इसको आप मेरी कमजोरी समझिए या भगवान साथ समझिए, मैं तैयार नहीं करना चाहता हूँ। अगर चाहे तो उस कॉलेज का एविडेंस मेरे पास रखा हुआ है, मैंने बुला के इनाज देखने को छोड़ दिया है, लेकिन अगली बार मैं तैयार दर्ज करा दूंगा, क्योंकि या तो इस छूट को मेरी कमजोरी समझ रहा हूँ, कमजोरी न समझे, और बात कुछ लोगों के कारण पूरा सिस्टम बदनाम नहीं होने दिया जाएगा। महिलाओं के लिए यथार्थ एवं चुनौतियां विषय पर गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। यह गोष्ठी यूटिल यूथ वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित की गई थी, जिसमें मुख्य रूप से सीमा वर्मा, दीपा सिंह, ममता सिंह सहित अन्य व्याख्यान प्रेमी महिला एवं पुरुष मौजूद रहे। नहीं
एक रफ्तार नाम क्यों न चले, मतलब एक मैटर क्या है रात के 12 बजे सड़क पर चलना, हमें बिल्कुल नहीं समझ आता। तो आप सभी हमें तो है ये क्या रात के 12 बजे सड़क पर चलना, समझते हैं जो नहीं समझते हैं या कुछ ऐसे हैं जो रात के समय सन्नाटा होता है, सुनसान होता है और वो लोग मानसिक रूप से दिक्कत जैसे कहते हैं चाहे वो शराब पी हो चाहे इस तरह की चीज़ें हों, उन लोगों का ही सड़कों पर राज रहता है। वो 12 बजे रात में लड़की को निकलने में कोई परेशानी नहीं, सिर्फ ये है कि हमें अपनी सुरक्षा, हमें अपनी सुरक्षा स्वयं से करनी है। हम जब तक अपनी सुरक्षा खुद नहीं करेंगे, हम जब भी हमें चलना हो पहला कदम हमको बढ़ाना पड़ता है तभी हम आगे चलते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमें खुद खड़ा होना पड़ेगा। 12 बजे रात में सन्नाटा है, अकेला है और चाहे हम कितनी भी बात करें महिला पुरुष बराबर होने की, लेकिन महिला महिला है और पुरुष पुरुष है। रस सिद्ध संत परम पूज्य भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के 47वें पुण्यतिथि के अवसर पर गीता वाटिका में आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का पाठ वृंदावन से आए कथावाचक लक्ष्मी नारायण शास्त्री के कथा रूपी प्रसाद का ग्रहण करने के लिए श्रद्धालुओं ने बड़ी उत्सुकता के साथ कथा का अनुश्रवण किया जो देखते ही बन रहा था। कम से कम इतना है जो कोकली में बना हुआ है उसको तो सब लोग मुझे पाठ पूजा में उपासना में रहते हैं। तो इस अभागे सबकी तरफ देखो, आकाश की तरफ दिखाया, बोले भगवान सूर्य नारायण को देखो, भगवान सूर्य नारायण को देखो। इस प्रकार से महाराज बताया है, सिद्धियों को स्वीकार नहीं किया। जो गर्भवती है जिसके पेट में हिरण का बच्चा है, हिरणी निकल करके जा रही थी, एक सिंह दौड़ता हुआ आया, सिंह ने दांत लगाई, हिरणी घबरा गई और गंडकी नदी को पार करके जाना चाहती थी, अपनी प्राण रक्षा करना चाहती थी, पर गंडकी नदी के पास जैसे आई छलांग लगाई और दुबली पतली थी, गर्भिणी थी, गर्भ में बालक था, छलांग लगाई, छलांग पूरी लगा नहीं पाई, इसके पेट में जो बच्चा था निर्गत हो गया, नदी में गिर गया और हिरणी दूसरी पार जाकर के हिरणी का प्राणांत हो गया, हिरणी समाप्त हो गई। भरत जी महाराज आए भजन करने के लिए, विचार किया भाई भक्ति का सबसे पहला लक्षण है परोपकार, ये बच्चा तो मर जाएगा, जल छोड़ा लिया और जाकर के दया दिखाई और छोटे से हिरण के बच्चे को गोदी में लिया, बाहर ले आए। सुखदेव जी महाराज ने कहा यहाँ तक तो बात ठीक थी, दया की पर दया करते करते भरत जी महाराज दयनीय बन गए, दया करते करते दयनीय हो गए और उसको ले आए और ला करके अब तो हिरण के बच्चा के बीच में और इनके भरत जी महाराज के बीच में संत कहते हैं भगवान को रहना चाहिए था, पर भगवान तो खिसक गए और हिरण का बच्चा चित्त में चिपक गया और ऐसा चिपका कभी धूप लेके आते हैं रस पिलाते हैं, कभी उसके उसके साथ खेलते हैं, कभी माला जपते हैं। पहले कहते हैं सुखदेव जी महाराज पहले हृदय में हरि विराजते थे, हाथ में माला झोली थी और मुख में भगवान का नाम था, अब उल्टा हो गया, हिरण का बच्चा अपने नन्हे नन्हे सिंगों से इनकी जटाओं को खुजलाता है, इनको बड़ा आनंद आता है। तब हरि का जहाँ स्थान था चित्त में हृदय में हिरण के बच्चे का स्थान आ गया, केवल नाम रह गया मुंह में बस। इस प्रकार से महाराज
ध्यान बदल गया, ध्यान बदल गया। इस प्रकार से महाराज एक दिन क्या हुआ, दैव योग से हिरण पशु होकर के भी, हिरण का बच्चा जब बड़ा हुआ, हिरण जब बड़ा हुआ उसका ध्यान पशु होकर के भी चित्त भरत जी महाराज के में नहीं नहीं चिपका, नहीं लगा, मोह पैदा नहीं हुआ। पर भरत जी महाराज मानव होकर के भी, मनुष्य होकर के भी इनका चित्त हिरण के बच्चे में चिपक गया। देव योग से क्या हुआ, हिरणों का एक झुंड आया, हिरणों का झुंड आया और वो जो हिरण का बच्चा था उनके साथ 9-2-11 हो गए। अब तो महाराज रह गए भरत जी महाराज विलाप करते हैं, चंद्रमा की तरफ देखते हैं, चंद्रमा में दिखाई देता है काला काला धब्बा और उसको देख करके बोले मृगांक, क्या तुमने मेरे हिरण के बच्चा को देखा है, तुमने तो नहीं छुपा लिया। अरे वो तो मेरे सिवा दुनिया में उसका कौन था, उसकी माँ पहले मर गई थी, उसको कोई शेर नहीं मार दे। अब तो महाराज भगवान की जगह चिंतन करने लगे और सुखदेव स्वामी कहते राजा परीक्षित काल किसी की प्रतीक्षा नहीं करता और अंते या मती सकति, अंतिम समय जिसकी जैसी मती होती है वैसी उसकी गति हो जाती है। काल का डंका लगा, काल का डंका बजा और महाराज भरत जी महाराज का देह पात हुआ। भरत जी महाराज गोविंदा निपुण में और जैसा चिंतन किया, ध्यान किया, अगले जन्म में हिरण बन गए और हिरण ही बन गए, हिरण बन गए। पर भैया संत कहते हैं भगवान का भजन तो अपना प्रभाव रखेगा। हिरण बनने के बाद भी याद थी कि कुछ गलती हुई, भजन करते करते हिरण मन लग गया, ध्यान थी और तो हिरण कच्ची दूध खाते, हरी घास पाते, ये एकाग्र ध्यान से खड़े रहते और सूखे पत्ते जो गिर जाते पेट भरने के लिए खा लेते। ध्यान करते, भगवान का चिंतन करते एक दिन वन में आग लगी, सभी हिरण तो भाग गए पर इनको तो कहीं जाना नहीं था, भगवान के ध्यान में थे और इनका जो हिरण वाला जन्म था वो भी समाप्त हो गया। अब की बार महाराज क्या हुआ, इस प्रकार से जब क्रम हुआ तो एक आंग्रस गोत्री ब्राह्मण के यहाँ, एक आंग्रस गोत्री ब्राह्मण के यहाँ इनको जन्म मिला है। अत कश्चित दुर्वर्ष आंग्रस प्रवर्ष्य समदम तप स्वाध्याय, एक पंडित कर्म करने वाले एक कर्मकांडी ब्राह्मण के यहाँ पर इनका जन्म हुआ और जन्म होने के बाद इनके ये चार भाई थे, तीन भाई बड़े थे, छोटे भाई हुए और जैसे ही इनका जन्म दुनिया में हुआ इनकी माता का प्राणांत हो गया। पिताजी बड़े भारी व्याकुल हुए, पिताजी के मन में विचार आया, पंडित जी के मन में विचार आया, भाइयों में सबसे छोटा है इसको पंडित कर्म सिखा दूं और जिससे पंडिताई सिखा दूंगा तो कम से कम यजमानी करेगा, अपने पेट को भर लेगा, भूखा नहीं मरेगा। तो पंडित जी ने विचार किया कि पहले गायत्री मंत्र इसको प्रदान करूं, गायत्री मंत्र दिया और सुखदेव जी महाराज कहने लगे सावित्रीं ग्रस्त बासंतिकां, तीन ऋतुओं में 6 महीने में पूरा गायत्री मंत्र याद करके नहीं सुनाया। पिताजी को बड़ी भारी ग्लानि हुई। भरत जी महाराज ने विचार किया यदि मैंने गायत्री मंत्र याद किया अब तो जन्म मिला है, ध्यान और मन को भगवान से अलग कहीं लगाना ही नहीं है। पिताजी ने विचार किया जो 24 अक्षर के गायत्री मंत्र को 6 महीना में बालक याद नहीं कर रहा है, ये बालक तो जड़ है, मूर्ख है, मूढ़ है। और पिताजी के मुंह से एक बार निकला जड़ भरत और पूरे गांव में हल्ला हो गया, जड़ है पागल है जड़ भरत नाम ही पड़ गया। बोलो जड़ भरत जी महाराज की। और भरत जी महाराज कर रहे हैं अपने नाटक कर रहे हैं, पागल व्यक्ति का नाटक कर रहे जानकर। बोले एक बार कुछ याद कर लिया ना तो फिर घर गृहस्थी का भार आ जाएगा, अब कुछ ऐसा करना ही नहीं जो लोग हमको कुछ समझे। अब तो महाराज इस प्रकार से क्रम हुआ। आगे चल करके केदार कर्मणी, एक बार भाभियों ने कहा अपने अपने पतियों से तुम्हारा ये भाई है पूरे गांव की बेगार करता है, घर में पड़ा रहता है, इससे कुछ काम कराओ। भाइयों के मन में था अरे कोई बात नहीं, जब तीन भाई काम हम करने वाले हैं चौथा भाई ऐसे भी, बोले ऐसी थोड़े नहीं है कोई बात, फिर भी कुछ काम तो करना ही चाहिए। तो बोले भाई खेत पर भेज दिया और कहा भाई खेती खेत पर जाकर के पहले तो मेड़ों को ठीक करना। भरत जी महाराज तो संत हैं, इनके जीवन में ना कोई सम है ना विषम है, लिया फावड़ा वरिष्ठ है, मोटे ताजे हैं, सभी मेड़ों को एकदम इकसार कर दिया, एक जैसा समतल कर दिया। गए बोले जाकर के देखा, बोले भाई ये क्या मतलब है इस काम से हटाया। बोले ऐसा है जन ये चिड़िया आ जाती है, पक्षी आ जाते हैं, फसल को नष्ट कर जाते हैं, इनको जाकर के रखवाली करना, खेती रखवाली करना। गए भरत जी महाराज ने विचार किया, राम जी ने खेत बनाया, राम जी ही अन्न पैदा करते हैं, राम जी ने चिड़ियाओं को बनाया, राम जी की चिड़िया है, राम जी का खेत है, भैया ये आओ रही खाओ रही है, भैया आओ मैं कौन भगाने वाला बीच में होता हूँ। संत का स्वभाव बुला करके खिलाने पुराने लगे, घर वाले भाई लोग गए, भाई लोग चले गए,
चलिए जल्दी जल्दी नजर डाल लेते हैं आज के प्रमुख हेडलाइंस पर। गोरखपुर के टाउन हॉल में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, सपा और बसपा के सौदेबाजी को नस्ते नाबूद करने के लिए वोट प्रतिशत बढ़ाना है जरूरी। गोरखपुर पहुंचे भारत सरकार के पूर्व मंत्री कलराज मिश्र ने कहा कि भाजपा के विकास कार्यों को देखकर हताश और निराश हैं विपक्षी पार्टियां। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर गोरखपुर पुलिस ने सिखाया महिलाओं को आत्मरक्षा के गुण। लोकसभा उपचुनाव में नेताओं का जुबानी जंग है जारी। गोरखपुर प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने बसपा और सपा के समर्थन को बताया बदबूदार है समझौता। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्वीप के द्वारा बनाया गया रंगोली, जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी ने किया अवलोकन, कहा अवश्य करें मतदान। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आयुष यदुवंशी ने कहा कि गोरखपुर और फूलपुर लोकसभा सीट में भाजपा प्रत्याशियों की जीत है सुनिश्चित। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अशोक सिंह ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की सरकारें कर रही हैं जनता को गुमराह। बांसगांव विधायक विमलेश पासवान ने कहा कि सीएम के नेतृत्व में उन्नत कर रहा है प्रदेश। 10 मार्च को रवाना होने वाली पोलिंग पार्टियों के रवानगी स्थल तथा 14 मार्च को होने वाले मतगणना स्थल का डीएम ने किया निरीक्षण, कार्यों को समय से पूरा होने का दिया निर्देश। गोरखपुर विश्वविद्यालय और इससे संबद्ध महाविद्यालयों की वार्षिक परीक्षा को लेकर केंद्राध्यक्षों की बैठक हुई संपन्न, दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं के लिए यथार्थ एवं चुनौतियां विषय पर आयोजित हुई गोष्ठी, वक्ताओं ने रखे अपने अपने विचार। और गीता वाटिका में श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ सुनने के लिए उमड़े श्रद्धालु। इस बुलेटिन में बस इतना ही। एक सूचना हमारे YouTube दर्शकों से है जो लगातार हमारे चैनल को YouTube के माध्यम से देखते हैं। डेन पर 160 नंबर और नेटविजन पर 222 नंबर पे आप हमारे चैनल को लगातार देख सकते हैं और अपने आप को पूरी तरह से खबरों से अपडेट रख सकते हैं। तो दीजिए हमें इजाज़त। इस बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।